क्या आपने कभी सोचा है कि एक आदमी खुश है तो दूसरा दुखी, एक डरा सहमा सा है तो दूसरे का चेहरा आत्मविश्वास से खिला हुआ है, एक बहुत ही बड़े आलीशान घर में रहता है तो दूसरा इंसान सड़क के किनारे या किसी स्लम में अपना बसेरा किए हुए है। नमस्कार, मैं हूं नीत। जोसेफ मर्फी की लिखी हुई द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड इसी रहस्य को सुलझाती है। इस किताब से हम सीखेंगे कि अपने सबकॉन्शियस माइंड का हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए। जैसा जीवन हम जीना चाहते हैं उसे पाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जोसेफ मर्फी की तबीयत करीब 42 साल पहले काफी खराब हो गई थी। उन्हें कैंसर हुआ था और उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल किया और बिल्कुल ठीक हो गए। इस किताब में बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी सारी परेशानियों से मुक्त हो सकते हैं। सब कुछ दिमाग का खेल है। तो चलिए सबकॉन्शियस माइंड की दुनिया को समझने का सफर शुरू करते हैं। आपके अंदर एक सोने का महल है। आपको इस महल में वो हर चीज मिलेगी जो आप चाहते हैं। आपको बाहर देखने की कोई जरूरत ही नहीं है। एक इंसान है जो बहुत ही आकर्षक है क्योंकि उसमें आत्मविश्वास है, ऊपर वाले में विश्वास है, उसे पता है वो जो चाहे वो कर सकता है, अपनी मंजिल को पा सकता है। दूसरा इंसान डरा हुआ है, उसे लगता है कि उसका नुकसान हो जाएगा, लोग उस पर हंसेंगे। ऐसा इंसान आगे बढ़ने से डरेगा और आगे नहीं बढ़ पाएगा। आप अपनी लाइफ में चाहें तो नाम, शोहरत, पैसा, प्यार, सब कुछ खींच सकते हैं। आपको किसी से कुछ उधार मांगने की जरूरत ही नहीं है। आपके पास पहले से ही सुपर पावर है और वो है आपका सबकॉन्शियस माइंड। अपने सबकॉन्शियस माइंड से आप कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी मांग सकते हैं। आपको नए आइडियाज मिलते हैं, नई सोच और नए आविष्कार करने की भी काबिलियत आपके सबकॉन्शियस माइंड से आपको मिल सकती है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की मदद से एक अच्छा जीवन साथी या एक भरोसेमंद बिजनेस पार्टनर भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। आपको अपने घर के लिए सही किराएदार या बायर भी मिल सकता है। इतना ही नहीं, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके टूटे दिल या परेशान मन को भी एकदम दुरुस्त कर सकता है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के स्क्रीन पर जो भी डालेंगे, आपकी जिंदगी की पिक्चर आपको वैसी ही दिखाई देगी। जैसे आपके बिलीव्स होंगे वैसे ही आपकी जिंदगी बनेगी। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम डर से, अंधविश्वास से, झूठी बातों से ऊपर उठें और भगवान में अपनी आस्था को मजबूत करें। अपने दिमाग को अच्छी बातों से, सुख, शांति, प्रगति, खुश करने वाली बातों से भरें। आपका दिमाग एक बागीचे के समान है और आप उस बगीचे के रखवाले। हर दिन आपके दिमाग के बगीचे में किस तरह के बीज बोए जा रहे हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपकी हर सोच आपका सच बनकर आप ही की जिंदगी में वापस आएगी। इसीलिए सोच कर सोचना जरूरी है। जब हम अपनी सोच पर काबू पाना शुरू कर देते हैं तब अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को इस्तेमाल करना आसान हो जाता है। कहते हैं ना, जितने भी गुरु इस धरती पर पैदा हुए उन सभी को सिर्फ अपनी अंदर की दुनिया में दिलचस्पी थी। वो समझ चुके थे कि बाहर की दुनिया वही दिखाएगी जो अंदर चल रहा है। हमारी जिंदगी में आज जो भी हो रहा है वो जाने अनजाने हमने ही क्रिएट किया है। अगर आपको अपनी जिंदगी से किसी भी समस्या को हटाना है तो सबसे पहले आपको अपने कॉन्शियस माइंड को सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। एक बहुत ही प्रसिद्ध गायक था, उन्हें स्टेज फ्राइट हो गया, इस हद तक कि उनका गला बैठ गया। वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। उन्हें डर लग रहा था कि अब लोग उन पर हंसेंगे। लेकिन फिर उन्होंने बैक स्टेज सबके सामने ऐलान किया, लिटिल मी तुम रास्ते से हट जाओ, बिग मी गाना चाहता है, उसे गाने दो, रास्ते से हट जाओ। बिग मी यानी कि सबकॉन्शियस माइंड, लिटिल मी यानी कि कॉन्शियस माइंड जिसमें डर, चिंता, परेशानी सब कुछ आकर बैठ चुका था। अगर कभी इस गायक की तरह आप भी डरा हुआ, कंफ्यूज्ड महसूस करें तो आप भी यही टेक्निक यूज कर सकते हैं। अपने आप को शांत कीजिए, फिर अपने सबकॉन्शियस माइंड से बात कीजिए। उसे ऑर्डर दीजिए कि वो आपकी बात माने और वो करे जो आप चाहते हैं, और अपने कॉन्शियस माइंड से कहें कि वो रास्ते से हट जाए। कॉन्शियस माइंड एक जहाज के कैप्टन जैसा होता है। जैसे कैप्टन कहता है वैसे ही जहाज चलता है।
जो भी आपका कॉन्शियस माइंड देखता है, सोचता है और मानता है, वही बात सबकॉन्शियस माइंड सच मान लेता है। सबकॉन्शियस माइंड कभी भी कॉन्शियस माइंड से लड़ाई झगड़ा नहीं करता। बिल्कुल उसी तरह जैसे जहाज में सब कैप्टन से बिना बहस करे उनकी हर आज्ञा का पालन करते हैं। अगर आप कभी बोलते हैं कि मैं उस ट्रिप पर नहीं जा सकता या वो कोट नहीं खरीद सकती क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, तो विश्वास रखिए कि आप कभी नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड इस बात को हर तरह से सच मान चुका है कि आपके पास पैसे नहीं है। इसीलिए कभी भी कोई नेगेटिव स्टेटमेंट बोलने से पहले अच्छे से सोचिए। एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को एक बैग बहुत अच्छा लगा। उसने बैग को देखते हुए कहा, ये बैग मेरा हो चुका है, ये बैग सेल पर है, मेरा सबकॉन्शियस माइंड इस बैग को मुझ तक पहुंचा रहा है। और उसी शाम इस स्टूडेंट के बॉयफ्रेंड ने उसे एग्जैक्टली यही बैग गिफ्ट कर दिया। इस स्टूडेंट ने अपने सबकॉन्शियस माइंड को इंस्ट्रक्शन दे दिया था और प्रोसेस समझने की कोई कोशिश नहीं की थी कि बैग उस तक कैसे पहुंचेगा। अगर कोई कहता है कि मैं रात को कॉफी पी लूं तो मैं 3 बजे उठ जाऊंगी, ऐसे में आपका सबकॉन्शियस माइंड रिकॉर्ड कर लेता है कि रात को कॉफी पीने पर आपको 3 बजे उठाना है। आपका सबकॉन्शियस माइंड 24 घंटे जागता है और आपकी हर सोच रिकॉर्ड करता है। एक 75 साल की महिला अकेली रहती थी। इन्हें अकेलापन खाए जा रहा था। इन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहना शुरू किया, मेरी शादी हो गई है, मेरा पति बहुत ही नेक दिल, प्यार करने वाला और स्पिरिचुअल इंसान है, मैं बहुत खुश हूँ। करीब 2 हफ्ते तक इस महिला ने बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड को यही बात कही। कुछ दिन बाद इन्हें एक मेडिकल स्टोर में अपना जीवन साथी मिला और अब ये अपनी शादी में बहुत खुश हैं। हमारा असली खजाना हमारे अंदर छुपा हुआ है। जब हम दिल से कुछ चाहते हैं और ऊपर वाले पर विश्वास रखते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को हम तक पहुंचाता ही है। चैप्टर 2, इंसानी दिमाग का राज। जो भी हमारा कॉन्शियस माइंड सोचता है और बार बार सोचता है, वो धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड का सच बन जाता है। एक बार जब सबकॉन्शियस माइंड किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेता है, फिर वो काम पर लग जाता है और उस चीज को आपकी जिंदगी में, बाहरी दुनिया में ले ही आता है। इसीलिए जब हमारी रोजमर्रा की सोच शांति और खुशी की होगी, तो हमारी जिंदगी भी बिल्कुल वैसी ही होगी। जैसा आपका कॉन्शियस माइंड बार बार सोचेगा, वैसा ही आपका सबकॉन्शियस माइंड कर दिखाएगा। हमारा दिमाग एक ही है, बस इसके काम करने के 2 तरीके हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। जैसे आप अपनी किताबें खुद पसंद करते हैं, अपने दोस्त और जीवन साथी भी, ये सारे फैसले आप अपने कॉन्शियस माइंड से लेते हैं। दूसरी तरफ आपका दिल धड़क रहा है, शरीर के सारे पुर्जे अपने आप काम कर रहे हैं, आप सांस ले रहे हैं, ये सारे काम सबकॉन्शियस माइंड करवा रहा है। सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड की तरह हर बात में कारण या लॉजिक नहीं ढूंढता। ये धरती की तरह है, आप इसमें कोई भी कैसा भी बीज बो सकते हैं। जो आप बोएंगे ये वैसी ही फसल आपको देगा। उदाहरण के तौर पर, अगर आपने किसी झूठ को अपने कॉन्शियस माइंड से सच मान लिया, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी उस झूठ को सच मान लेगा और फिर आपको वैसे ही परिणाम भी देगा। सबकॉन्शियस माइंड को सब्जेक्टिव माइंड भी कहते हैं। जब कॉन्शियस माइंड यानी कि ऑब्जेक्टिव माइंड शांत हो जाता है, तब सब्जेक्टिव माइंड के होने का एहसास बढ़ जाता है। सब्जेक्टिव माइंड इंट्यूशन से जुड़ा होता है। कई बार आप दूसरों का दिमाग पढ़ लेते हैं, किसी लिफाफे के अंदर क्या है आपको पहले से पता चल जाता है। ये सब सब्जेक्टिव माइंड का कमाल है। अगर आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को कुछ ऐसा कहा है जो आप बदलना चाह रहे हैं, तो बहुत आसान है। आप बार बार अच्छी बातें दोहराइए, आपका सबकॉन्शियस माइंड इन बातों को सुनकर इन्हें सच मान लेगा। बहुत जरूरी है इस बात को समझना कि हमारा कॉन्शियस माइंड दरवाजे पर बैठा हुआ वॉचमैन है। उसका काम है कि बहुत ध्यान से चेक करने के बाद ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक किसी सोच को अंदर आने दे। अगर आप किसी जहाज के सेलर से जाकर कहते हैं कि तुम बहुत बीमार लग रहे हो, क्या तुम समंदर के बीच रहते रहते बीमार हो गए हो, तो वो या तो हंसेगा या गुस्सा हो जाएगा या आपको इग्नोर कर देगा। सेलर सुबह शाम पानी के बीच रहता है, तो उसे पानी की वजह से दिक्कत नहीं हो सकती। इसका मतलब ये हुआ
कि अगर हमारा कॉन्शियस माइंड नहीं चाहता तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड किसी और की कही बात को नहीं अपनाएगा। हम सबकी अपनी सोच, अपने डर, अपने विचार होते हैं और हमारी जिंदगी इन्हीं विचारों के हिसाब से चलती है। ऐसे में अगर कोई भी हमें अपनी राय या सोच बताता है तो हमारा कॉन्शियस माइंड चुन सकता है कि उस सोच को अपनाना है या फिर नहीं अपनाना। एक जनाब की बेटी बहुत बीमार थी। उस लड़की को आर्थराइटिस हो गया था और उसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं था। जाहिर सी बात है, लड़की का पिता बहुत परेशान था और 2 साल तक अपने सबकॉन्शियस माइंड को वो यही कहता रहा कि बस मेरी बेटी को ठीक कर दो, मैं अपना दाहिना हाथ तक देने को तैयार हूँ, मेरी बेटी को ठीक कर दो। एक दिन इस परिवार का कार एक्सीडेंट हो गया। पिता का एक हाथ इस एक्सीडेंट में चला गया और बस कुछ दिन बाद बेटी की तबीयत पूरी तरह से ठीक हो गई। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से ऐसी बातें कहें जिसमें सबकी प्रगति और खुशी शामिल है। सबकॉन्शियस माइंड के साथ हंसी मजाक नहीं कर सकते, वो आपकी हर बात को सुनता, मानता और पूरा करता है। एक गायक थी जिसे ऑडिशन के लिए जाना था मगर डर ने उसके हाथ पांव ठंडे कर दिए थे। इस गायक ने दिन में 3 बार खुद को कमरे में बंद करके दिमाग को शांत करने के बाद सबकॉन्शियस माइंड से कहा कि मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, मैं शांत रहती हूँ, खुद पर विश्वास रखती हूँ। 1 हफ्ते के अंदर इस गायक ने अपने आत्मविश्वास में फर्क देखा, ऑडिशन बहुत अच्छे से दिया और खुद पर जीत हासिल की। इसी तरह से एक 75 साल की महिला अपनी याददाश्त की वजह से बहुत परेशान रहने लगी थी। उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को दिन में कई बार ये कहना शुरू किया, मुझे जब जो चाहिए होता है मुझे मिल जाता है, मेरी याददाश्त दिन ब दिन बेहतर होती चली जा रही है। 3 हफ्ते के अंदर इस महिला को अपनी याददाश्त में काफी फर्क नजर आ गया। कुछ गुस्सैल आदमियों ने अपने सबकॉन्शियस माइंड को हर दिन 3 से 4 बार ये कहना शुरू किया, मैं हमेशा खुश रहता हूँ, मैं बहुत हसमुख हूँ, मैं इस बात का शुक्रगुजार हूँ कि अब ये मेरा स्वभाव बन चुका है। ऐसा करने से इन लोगों को खुद में बहुत बदलाव नजर आया। कई बार हमें लोग कहते हैं, मत करो, नहीं कर पाओगे, क्यों कर रहे हो, बूढ़े हो गए हो, कोई फायदा नहीं है और भी बहुत कुछ। बचपन से ऐसी बातें सुन सुन कर हमारी जिंदगी इन गलत विचारों की वजह से मुश्किल में पड़ चुकी है। हर इंसान दूसरे के साथ यही कर रहा है, यानी उसे नीचे खींच रहा है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जब आपको कोई कुछ ऐसा कहे जो नेगेटिव हो तो आप उसे अपने अंदर मत उतारिए। उनके डर को, उनकी छोटी सोच को अपना मत बनाइए। वो उनके विचार हैं, उनका सफर है, आपका नहीं। कई बार आपको लोग विश्वास दिलाने की कोशिश करेंगे कि आपको उनकी बात अपना लेनी चाहिए क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। दरअसल ये तरीका होता है दूसरों को कंट्रोल करने का और दूसरों के मन में डर भर देने का। एक बार एक आदमी एक पंडित के पास गया। पंडित ने भविष्यवाणी की कि ये आदमी अगले साल हार्ट अटैक से गुजर जाएगा। ये आदमी घबरा गया। इन्होंने अपनी विल भी तैयार कर ली, रिश्तेदारों को भी बता दिया और फिर वैसा ही हुआ। अगले ही साल दिल का दौरा पड़ा और ये जनाब गुजर गए। किसी की भी दी हुई राय या कही हुई बात तभी शक्तिशाली बनती है जब हम उसे अपने जीवन का सच मान लेते हैं। हमारे पास चुनने की शक्ति है, इसीलिए हमें चुनना चाहिए जिंदगी को, सेहत को, प्यार को, ना कि डर और अंधविश्वास को। चैप्टर 3, सबकॉन्शियस का जादू। आपके सबकॉन्शियस माइंड ने आपके दिल को धड़काना शुरू किया, आपके शरीर की पाचन शक्ति का ध्यान रखा, रगों में जो खून बह रहा है उसके सर्कुलेशन को संभाला, यानी कि आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, ना कभी रुकता है और ना ही कभी थकता है। आप इसकी शक्ति खुद परख कर देख सकते हैं। सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को कोई ऐसी बात कहिए जो आप करना चाहते हैं और जिसके लिए आप कोई क्लैरिटी या कोई जवाब ढूंढ रहे हैं। जो भी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालेंगे फिर आपका कॉन्शियस माइंड उसी दिशा में चल पड़ेगा और आपको उस मंजिल तक पहुंचाने में दिन रात जुट जाएगा। दुनिया में इतनी तकलीफ, इतना दुख सिर्फ इसीलिए है क्योंकि लोगों को कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच के रिश्ते के बारे में कुछ पता ही नहीं है। इसीलिए वो कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी करते हैं
और फिर जीवन में कुछ भी होता है, आपके हिसाब से फिर कुछ नहीं होता और आपको समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। हम में से कोई भी गुस्सा, जलन, नेगेटिव थॉट्स के साथ पैदा नहीं हुआ था, लेकिन फिर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चीजें डाल दी गई, हमने डलवा भी ली क्योंकि तब हम बच्चे थे और फिर इसी सोच ने हमारी जिंदगी का रुख तय किया। लेकिन अब जब हमें ये समझ में आ गया है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक जादूगर है, तो जरूरी है कि अब हम इससे अच्छी बातें करें, अपने विचारों को शुद्ध करें और नेगेटिविटी से बचें। इस किताब के लेखक जोसेफ मर्फी को करीब 40 साल पहले कैंसर हुआ था और उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति से खुद को बिल्कुल ठीक कर दिया। जैसे हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने हमारे शरीर को बनाया है, उसी तरह ये बीमारी को ठीक भी कर सकता है। घड़ी बनाने वाला घड़ी को बिल्कुल ठीक भी कर सकता है, यानी हमारा सबकॉन्शियस माइंड अगर शरीर को बना सकता है, चला सकता है, तो इसे खुद ब खुद ठीक भी कर सकता है। जोसेफ मर्फी ने प्रार्थना करनी शुरू की। इन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहा कि तुमने मुझे बनाया है, तुम ऊपर वाले का अंश हो, तुम मुझे बिल्कुल ठीक कर रहे हो, इसके लिए मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ। जोसेफ ने ये प्रार्थना हर दिन 3-4 बार पढ़ी और 3 महीने बाद इनकी बीमारी पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। कोई भी बीमारी पहले दिमाग में जन्म लेती है और फिर शरीर के ऊपर दिखती है। जब हम सोते हैं तब हमारा दिल धड़कता रहता है, लंग्स भी काम करते रहते हैं, चेहरे के बाल तक बढ़ते रहते हैं। फिर हम जागे हुए हो या सोए हुए, ये सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड का कमाल है। अगर आप कभी मेंटली परेशान हो तो अपने सबकॉन्शियस माइंड से कह सकते हैं कि वो सब कुछ ठीक कर दे, आपके जीवन में सुख शांति वापस आ जाए और फिर देखिए ऐसा ही होगा। अपने सबकॉन्शियस माइंड से हक से और विश्वास के साथ बात कीजिए। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका सबसे बड़ा दोस्त है, वो सिर्फ आपकी भलाई और प्रगति चाहता है, आपकी हर बात सुनता है और मानता भी है। अगर आप अपना जीवन सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड के हिसाब से चलाएं, तो कोई परेशानी आपको कभी तकलीफ नहीं दे पाएगी। इसलिए बहुत जरूरी है ये देखना कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर क्या डाल रहे हैं। अपने कॉन्शियस माइंड का ख्याल रखिए। आपकी रोजमर्रा की सोच आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए इंस्ट्रक्शन बनती है। फ्रांस की एक महिला मैडम बिर का केस मेडिकली रिकॉर्डेड है। ये दोनों आंखों से देख नहीं सकती थी, इनकी ऑप्टिक नर्व बेकार हो चुकी थी। इन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड से बात करनी शुरू की और कुछ वक्त बाद इनका विजन लौट आया। जब डॉक्टर्स ने आंखों को एग्जामिन किया तो उन्होंने पाया कि ऑप्टिक नर्व में अभी भी कोई जान नहीं थी, मगर मैडम बिर देख पा रही थी। जब आपका सबकॉन्शियस माइंड किसी भी चीज को सच मान लेता है तो वो चीज हो जाती है। मैडम बिर ने काफी जगह जाकर मन्नत भी मांगी थी, मगर उनकी आंखों को उनके सबकॉन्शियस माइंड ने ठीक किया, क्योंकि उनका विश्वास पक्का था। विश्वास अपने आप में एक जादुई चीज है। इसी तरह से एक शख्स जिन्हें पैरालिसिस था, वो चलने लगे। उन्होंने हर दिन विजुलाइज करना शुरू किया कि उनके पैर बिल्कुल ठीक हैं, वो दफ्तर जा रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, उनकी सेहत परफेक्ट है। उन्होंने इस इमेज को अपने सबकॉन्शियस माइंड में उतारा और बस एक दिन जब फोन की घंटी बजी और घर में कोई और नहीं था, तो ये जनाब किसी तरह उठकर फोन उठाने चले गए। जो परिणाम आप चाहते हैं उस पर ध्यान लगाइए, उसका एहसास अपने जहन में उतारिए और रोज उसके बारे में सोचते हुए अपने सबकॉन्शियस माइंड से बातचीत कीजिए। चैप्टर 4, पुराने जमाने की तरकीबें। पुराने जमाने के पंडित लोगों को हिप्नोटाइज यानी कि सम्मोहित करके उन्हें कहते थे कि ऊपर वाला उन्हें दर्शन देने आ रहा है और अब उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कुछ अजीबोगरीब तरीके भी अपनाए जाते थे, जैसे कि छिपकली को मारकर उसे चांदनी रात में चांद के नीचे रखो, और कहते हैं कि इन अतरंगी चीजों को करने से कई लोगों की खराब सेहत में सुधार भी आ गया। इन सारी हीलिंग्स में दरअसल क्या हुआ, इन सभी लोगों के सबकॉन्शियस माइंड ने कमाल दिखाया और ये ठीक हो गए। यानी कि असली हीलर पंडित या छिपकली नहीं, इनका विश्वास था। इनके विश्वास ने सबकॉन्शियस माइंड को काम पर लगाया और ये बिल्कुल ठीक हो गए। जब भी आप कुछ पाना चाहते हैं तो उसे अपने दिमाग में इस तरह उतारिए मानो वो चीज आपकी हो चुकी है, अभी दिख नहीं रही है,
मगर आपकी मनोकामना पूरी हो चुकी है। बाहरी दुनिया में किसी भी रियलिटी को पैदा करने के लिए पहले उसे अपने दिमाग में सच मानना पड़ता है। जैसे आपका हाथ आपको दिखता है वो सच में है, उसी तरह आपके थॉट्स, आपके आइडियाज बिल्कुल रियल हैं, वो काल्पनिक नहीं है, वो भी सच में है। जब आप जमीन के अंदर बीज बोते हैं तो आपको पता होता है कि कुछ दिन बाद पौधा निकलेगा, पेड़ बनेगा। बिल्कुल उसी तरह फेथ यानी कि विश्वास एक बहुत ही ताकतवर चीज होती है। कहते हैं कि जब कुछ नेत्रहीन लोग यीशु मसीह के पास अपनी समस्या लेकर जाते थे तो भगवान ने उनकी आंखों पर हाथ रखकर कहा, तुम्हारा विश्वास तुम्हें ठीक कर रहा है। यानी कि हर इंसान कितना विश्वास करता है कितना नहीं, ये उसकी खुद की मर्जी होती है। यीशु मसीह का विश्वास, इन लोगों का विश्वास और इसके साथ इनके सबकॉन्शियस माइंड की ताकत ने इन सारे लोगों की आंखें लौटा दी। जोसेफ मर्फी के एक रिश्तेदार को ट्यूबरकुलोसिस हो गया था। उनके लंग्स की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। बेटे ने अपने पिता को ठीक करने का फैसला किया। बेटे ने अपने पिता से कहा कि उसकी मुलाकात एक बहुत ही ज्ञानी इंसान से हुई जिसने उन्हें जीसस के असली क्रॉस से निकला एक टुकड़ा दिया है। बाप ने झपट कर उस लकड़ी के टुकड़े को सीने से लगा लिया। दरअसल बेटे ने चलते फिरते लकड़ी का टुकड़ा लिया था और फिर एक जूला की मदद से उसको एक आकार दे दिया था। बेटे ने अपने पिता से कहा कि रात को सोने से पहले आप इसे सीने से लगाइए और जीसस को याद कीजिए। पिता ने ऐसा ही किया और फिर बिल्कुल ठीक भी हो गए। पिता को सच का कभी पता नहीं चल पाया, पता चलता तो शायद फिर से बीमार पड़ जाते। तो अभी तक हम दो बातें समझ चुके हैं, हमारे दिमाग के दो पहलू हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड हमारे शरीर के हर पुर्जे को चलाता है और कंट्रोल करता है। साथ ही हम सबकॉन्शियस माइंड को नए नए सुझाव दे सकते हैं क्योंकि वो हमारी हर बात सुनता है, मानता है और करता भी है। अगर कोई सम्मोहित स्थिति में हो और आप उनसे कहें कि उन्हें बुखार आ रहा है या उन्हें ठंड लग रही है, तो उन्हें सच में बुखार आ जाएगा या ठंड लगने लगेगी। इसका सारांश ये हुआ कि बीमारी अगर हमारे सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ी हुई है तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ठीक भी हो सकती है। प्रकृति जीवन संभालने की हमेशा कोशिश करती है। कभी अगर शेव करते समय आपको चोट लग जाए तो वो चोट अपने आप सूख कर ठीक भी हो जाती है। सबकॉन्शियस माइंड हर वक्त जीवन की सुरक्षा करने की कोशिश करता है। साइकेट्रिस्ट हो, साइकोलॉजिस्ट, पंडित हो या फिर डॉक्टर, हर कोई सबकॉन्शियस माइंड के ताकत से ही इलाज कर रहा है। इलाज करने का तरीका अलग अलग हो सकता है मगर इलाज करने वाला सबकॉन्शियस माइंड ही है। आपका विश्वास आपके इलाज की गति को तेज या धीमा करता है। फ्रांस में एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था हिपोलाइट बर्निम। उनके पास एक मरीज आया जिसकी जीभ पैरालाइज हो चुकी थी। हिपोलाइट ने मरीज से कहा कि उनके पास एक जादुई इंस्ट्रूमेंट है, वो उसे जब मरीज के मुंह में डालेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। मरीज ने ये बात मान ली। हिपोलाइट ने फिर उसके मुंह में एक पॉकेट थर्मोमीटर डाल दिया और बस फिर ये मरीज कुछ देर बाद अपनी जीभ हिलाने लगा। एक बार हिपोलाइट ने एक लड़की की पीठ पर पोस्टेज स्टैंप लगाते हुए कहा कि तुम्हारी पीठ में तो फोड़ा हो गया है। कुछ दिन बाद इस लड़की को ठीक उसी जगह फोड़ा हो गया। यानी कि आप किसी के शरीर में बदलाव ला सकते हैं अगर आप उनके सबकॉन्शियस माइंड में किसी तरह का भी सुझाव डाल दें। एक बार अपनी रिसर्च स्टडी के दौरान एक डॉक्टर ने अपने पेशेंट को हिप्नोटाइज करके पेशेंट के दोनों हाथों में उनका नाम लिख दिया। फिर इस डॉक्टर ने पेशेंट से कहा कि आज शाम 4 बजे तुम्हें नींद आ जाएगी और जब तुम सो जाओगे तब तुम्हारे हाथ जहां तुम्हारा नाम लिखा हुआ है वहां से खून निकलेगा। बस फिर उसी दिन शाम 4 बजे ये शख्स सो गए और इनके हाथों पे लिखे नाम के ऊपर हल्की खून की बूंदें पाई गई। इसीलिए जब आप किसी और के लिए कोई प्रार्थना करें तो याद रखें कि उनके सबकॉन्शियस माइंड तक आप अपना विश्वास भेज सकते हैं और ऐसा करने पर बेहतरीन नतीजे देख भी सकते हैं। चैप्टर 5, हर परेशानी का एक इलाज। एक कहावत है कि डॉक्टर आपकी चोट पर दवा लगाता है मगर ठीक करने वाला ऊपर रहता है। ठीक करने वाले को हम अलग अलग नाम से जानते हैं, फिर हम उसे नेचर कहें, भगवान बुलाए या सबकॉन्शियस माइंड कहें। आप कोई शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए किसी धर्म, जाति या रंग के होने की जरूरत नहीं है।
अगर आप भगवान में विश्वास नहीं रखते हैं, तब भी आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी हर तरह से हिफाजत करेगा। जिंदगी की ये रहस्यमय शक्ति सिर्फ इंसानों की नहीं, बल्कि हर पेड़, हर जानवर, सृष्टि के हर जीव की देखभाल कर रही है। जब भी आप प्रार्थना करें तो अपने मन में ये सोचें कि जो भी आप चाहते हैं वो चीज पहले ही आपकी हो चुकी है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप कोई तकलीफ या बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो अपनी ऊर्जा को अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति की तरफ केंद्रित कीजिए। अपने डर पर ध्यान मत दीजिए, धीरे धीरे डर अपने आप कम हो जाएगा, नेगेटिविटी खत्म होने लगेगी और फिर आपकी सेहत लौट आएगी, परेशानी भी अलविदा कह देगी। प्रार्थना करते वक्त अपने सबकॉन्शियस माइंड को थैंक यू बोलिए, क्योंकि वो आपकी मदद कर रहा है ठीक होने में। अगर इस बीच फिर से डर सताए, तो खुद को अपने सबकॉन्शियस माइंड की ताकत की तरफ मोड़िए। हील होने के लिए आपको यही करना है, डर से दूर जाना है और विश्वास के करीब आना है। फ्रांस एंटन मेस्मर नाम के एक स्विस फिजिशियन हुआ करते थे। अतरंगी तरीकों से लोगों को ठीक कर दिया करते थे। ये कहते थे कि इनके शरीर से एक मैग्नेटिक फ्लूइड निकलता है, जो इनके मरीजों के शरीर में घुसकर उनकी तकलीफ को गायब कर देता है। लोग इस शख्स के पास भारी मात्रा में जाने लगे। सरकार को शक हुआ और मामले की तह तक पहुंचने पर पता चला कि ये जनाब लोगों को ठीक तो कर रहे थे, मगर लोग इनकी वजह से नहीं, अपनी कल्पना की वजह से ठीक हो रहे थे। सबकॉन्शियस माइंड को दिया हुआ इनका सजेशन और मरीज का अपना विश्वास, यही थी ठीक होने की दवाई। जब हम गहरी नींद वाली अवस्था में चले जाते हैं, तब कॉन्शियस माइंड के बंद दरवाजे खुल जाते हैं। ऐसी स्थिति में कॉन्शियस माइंड क्यों, कब, कैसे, कहां सोच नहीं पाता। और इस वक्त अगर कोई आपके सबकॉन्शियस माइंड से कुछ कहे, तो वो बात आपके अंदर तक चली जाती है। आप उसे सच मान लेते हैं और फिर जीवन में आगे चलकर वही होता भी है। अगर आप लॉस एंजलिस में हैं और आपकी माँ जो न्यूयॉर्क में है वो बीमार पड़ जाएं, तो आप उनकी मदद कैसे कर सकते हैं? जब आप सेहत, खुशी, तंदुरुस्त शरीर के बारे में सोचेंगे और उनके लिए प्रार्थना करेंगे, तो वो भी वही सोचेंगी जो आप सोच रहे हैं। क्योंकि देखा जाए तो हम सबका सबकॉन्शियस माइंड जुड़ा हुआ है ऊपर वाले के साथ। इसीलिए आपकी माता जी किसी भी शहर या देश में रहें, आप उनके सबकॉन्शियस माइंड तक संदेश पहुंचा सकते हैं। एक शख्स को जब ट्यूबरक्लोसिस हुआ, तो उन्होंने हर रात सोने से पहले ये कहना शुरू किया, मेरे शरीर का एक एक अंग, एक एक सेल और मेरे फेफड़े बिल्कुल दुरुस्त और तंदुरुस्त है। मेरा शरीर सेहतमंद है और ऊपर वाले की मर्जी से है। करीब एक महीने बाद इनकी तबीयत पूरी तरह से ठीक हो गई। जब इनसे पूछा गया कि ये सोने से पहले ही अपने सबकॉन्शियस माइंड से बातचीत क्यों करते थे, तो इन्होंने कहा कि जब आप सो रहे होते हैं, तब भी आपका सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा होता है। इसीलिए आप उसे कोई अच्छा काम दीजिए जिसे वो रात भर कर सके। हमें कभी भी अपनी बीमारियों को नाम नहीं देना चाहिए या उसके बारे में बार बार बात नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से वो होगा जो हम नहीं चाहते या जिस चीज से हम डरते हैं। हमें वो बोलना है और सोचना है जो हम देखना और महसूस करना चाहते हैं। इसीलिए अपने दिमाग को हमेशा प्यार, शांति और खुशी की भावना से भरने की कोशिश कीजिए। चैप्टर 6, खुद को खुद ही ठीक करें। चैप्टर 3, सबकॉन्शियस का जादू, आपके सबकॉन्शियस माइंड ने आप करें। चैप्टर 6, खुद को खुद ही ठीक करें। एक इंजीनियर की एक टेक्निक होती है जिससे वो ब्रिज बनाता है। उसी तरह से हमारे दिमाग की भी एक टेक्निक होती है जिससे वो चलता है और हमारी जिंदगी चलाता भी है। गोल्डन गेट ब्रिज बनाते वक्त सबसे पहले चीफ इंजीनियर ने अपने दिमाग में ब्रिज की तस्वीर बिठाई। उसके बाद सारी आने वाली मुश्किलों को समझा और फिर जितने भी टेक्निक्स और प्रिंसिपल्स उन्हें आते थे, उन सबको इस्तेमाल में लाया गया। इस तरह ब्रिज बनकर तैयार हो गया। बिल्कुल ऐसे ही हमारी सारी प्रार्थनाएं भी हकीकत में तब्दील होती हैं। कुछ भी अपने आप नहीं हो जाता। हर चीज के पूरे होने में एक प्रोसेस, एक टेक्निक होती है। हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में एक छवि होती है, हमें कुछ चाहिए होता है और हमारी आत्मा से ऊपर वाले के लिए एक पुकार निकलती है। आपका कॉन्शियस माइंड आपके सबकॉन्शियस माइंड तक इस प्रार्थना को पहुंचाता है
और फिर सबकॉन्शियस माइंड उस आराधना को पूरी करता है। जो भी आप पाना चाहते हैं उसके बारे में शांत दिमाग से सोचें और उसे देखने की कोशिश करें, जैसे कि मानो वो चीज आपको पहले ही मिल चुकी है। एक छोटी बच्ची को बहुत खांसी आ रही थी, उसने बिल्कुल दृढ़ आवाज के साथ कहा, ये बस जा रही है, ये बस जा रही है, ये जा रही है। आधे घंटे में इस बच्ची का गला बिल्कुल ठीक हो गया और खांसी वाकई में चली गई। अगर आप अपने लिए एक नया घर बनाते हैं तो पहले उसका ब्लूप्रिंट तैयार होता है। इसी तरह से हमारे दिमाग में भी हमें एक नक्शा बनाना चाहिए, जो हम देखना चाहते हैं उसका नक्शा। आपके दिमाग में आप जिन बातों को महत्व देंगे वही आपकी जिंदगी का नक्शा बनाएंगे। अगर आपके नक्शे में डर है, चिंता है, शक है, परेशानी है, नेगेटिविटी है, तो आपकी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही होगी। आप खुद से जो भी बातें कर रहे हैं वो सब आपका सबकॉन्शियस माइंड सुन रहा है। हर मिनट, हर सेकंड, हर घंटे आप अपनी खुशियां बढ़ा सकते हैं, अपनी सेहत सुधार सकते हैं, सिर्फ अपने इस नक्शे को सुधार कर। मांगो और तुम्हें मिलेगा। इसका मतलब जब हम कोई चीज चाहते हैं और सबकॉन्शियस माइंड का दरवाजा खटखटाते हैं तो हमें वो चीज जरूर मिलेगी। बस हमें एक बात का ध्यान रखना है और वो है विश्वास। विश्वास हमें सोच से उस चीज तक पहुंचाता है। जब आप विश्वास करें तो पूरे मन से करें। जो भी छवि आपके मन में बन रही है वो अपने आप में एक सच है। वो बस इस वक्त दिख नहीं रहा है, पर वो पहले से मौजूद है। आपकी सोच ने उस चीज को जन्म दे दिया है। आपकी इमेजिनेशन में जो भी चीज आती है वो आपके शरीर के किसी भी और अंग की तरह एक सच है। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि वो स्टेज पर जाने से पहले हमेशा ये टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। वो विजुलाइज करते हैं कि लोग ऑडिटोरियम में बैठे हुए हैं, सब लोग बहुत ही खुश लग रहे हैं, सब कह रहे हैं कि वो खुश हैं, अच्छी सेहत में हैं और बदल गए हैं। जोसेफ करीब 10 मिनट तक विजुलाइज करते हैं और इस कदर खो जाते हैं कि उन्हें ऑडियंस में बैठे लोगों की आवाजें सुनाई तक देने लग जाती हैं। बस फिर इसी चित्र को दिमाग में बनाए जोसेफ स्टेज की ओर बढ़ जाते हैं और हमेशा वैसा ही होता है जैसा उन्होंने स्टेज पर आने से पहले विजुलाइज किया था। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी या घर है जो आप बेचना चाहते हैं तो आप इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने दिमाग को शांत कीजिए, गहरी अवस्था में जाने की कोशिश कीजिए, फिर इमेजिन कीजिए कि आप किसी से हाथ मिला रहे हैं, आपको एक चेक मिल रहा है, आप थैंक यू बोल रहे हैं। इसके बाद सो जाइए और बाकी काम आपका सबकॉन्शियस माइंड कर देगा। अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहिए कि वो आपको ऐसे बायर से मिलवाए जिसे आपका घर बहुत पसंद आए और उसकी इस घर में रहने से तरक्की हो। आपका विश्वास और विजुलाइजेशन दोनों आपको एक ऐसे खरीदार से मिलवा देगा। कुछ साल पहले लॉस एंजलिस में एक महिला एक बुरे कोर्ट केस में फंस गई थी। उनके पति की पहली बीवी पूरी कोशिश कर रही थी कि इनसे सारी जायदाद हड़प ले। इस महिला ने परेशान होकर इसी टेक्निक का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने मन को शांत किया, गहरी अवस्था में पहुंचने पर अपने आप से सिर्फ यही कहा, ऊपर वाले की मर्जी से सब अच्छा हो गया है। इसका मतलब ये कि सबकॉन्शियस माइंड ने सब कुछ ठीक कर दिया है। अगले 10 दिन इस महिला ने गहरी नींद में जाकर खुद से यही शब्द दोहराए। ये बोलने के बाद वो सो जाया करती थी। 11वें दिन जब वो उठी उन्हें एक अलग से सुकून का एहसास हुआ, मानो सब ठीक हो चुका हो। उसी दिन उनके वकील का उनके पास फोन आया। उनके पति की पहली बीवी उनसे बात करके केस वापस देना चाहती थी। अब अगर आपको कोई नुकसान करने वाली आदत से छुटकारा चाहिए तो आप वो भी कर सकते हैं। शरीर और मन को शांत कीजिए। गहरी अवस्था में जाने के बाद अपने आप से धीरे धीरे कहिए, मैं इस आदत से मुक्त हो चुकी हूँ और मन से शांत हूँ। इन लफ्जों को बार बार दोहराइए और जब भी वही गलत चीज करने की इच्छा जागे इन्हीं शब्दों को जोर जोर से बोलिए। ऐसा करने पर आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी बातों को सच मानने लगेगा और आपकी हीलिंग का सफर वहीं से शुरू हो जाएगा। थैंक यू, इन दो शब्दों में भी बहुत ताकत होती है। एक पिता ने अपने बेटे से वादा किया कि जैसे ही तुम ग्रेजुएशन खत्म करोगे मैं तुम्हें एक कार गिफ्ट करूंगा। बेटे के मन में पिता के लिए ग्रैटिट्यूड आ गया। ग्रैटिट्यूड से अपने आप एक खुशी का एहसास भी मन में जाग गया। एक तरह से देखा जाए तो बेटे को उसकी गाड़ी रियलिटी में मिलने से पहले ही मिल चुकी थी। एक शख्स थे मिस्टर ब्रोक। इनके बिल्स सर पर थे, 3 बच्चे भी थे और नौकरी नहीं थी।
इन्होंने 3 हफ्ते तक ऊपर वाले को थैंक यू बोला, थैंक यू फादर फॉर माई वेल्थ, यानी कि ऊपर वाले इतने सारे पैसों के लिए तेरा शुक्रिया। जब भी पैसों का डर इनके मन को सताता, ये दोबारा इन्हीं शब्दों को दोहराते। कुछ समय बाद इन्हें एक पुराना दोस्त मिला जिसने इन्हें एक बहुत अच्छी नौकरी का ऑफर दिया। आज मिस्टर ब्रोक उसी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट है और इनके जीवन में अब पैसों की कोई कमी नहीं है। अगर एक बच्चा बोर्ड में 3+3=7 लिखता है तो उसकी टीचर उसे करेक्ट करती है और बोलती है कि ये गलत है, 3+3=7 होता है। इसी तरह बीमार पड़ना अब नॉर्मल है, सेहतमंद रहना हमारा सच है। जब आप अपने लिए और दूसरों के लिए सेहत, खुशी, शांति चुनते हैं तो वो नॉर्मल है। यूनिवर्स में हेल्थ और अबंडेंस है। इसके विपरीत अगर हमारी जिंदगी में कुछ होता है तो वो इसीलिए क्योंकि हम कुदरत के और खुद के विपरीत चले जाते हैं। जोसेफ मर्फी के बहन की एक सर्जरी होने वाली थी इंग्लैंड में। दोनों भाई बहन के बीच 6,500 माइल्स का फासला था, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड के लिए कोई टाइम और स्पेस का फासला नहीं होता है। जोसेफ मर्फी ने अपनी बहन के लिए प्रार्थना की, मेरी बहन शांत है, पीसफुल है और रिलैक्स्ड है। सबकॉन्शियस माइंड जिसने उसकी बॉडी को बनाया है वो अब उसकी बॉडी को बिल्कुल ठीक कर रहा है। उसकी सबकॉन्शियस माइंड में जितने भी गलत पैटर्न्स हैं अब वो सब सही हो रहे हैं। वो हीलिंग रिसीव कर रही है, यूनिवर्सल प्यार की लहर ने उसे लपेट लिया है, एंड सो इट इज। 2 हफ्ते बाद जब जोसेफ की बहन का एक्सरे हुआ तो एक्सरे रिजल्ट्स में काफी इम्प्रूवमेंट नजर आया। आपके सामने कोई भी रियलिटी आए, जरूरी है कि आप अपनी प्रार्थना पर पूरा भरोसा रखें और जो आप चाहते हैं उसे बार बार दोहराते चले जाइए। डॉक्टर क्विम्बी काफी मशहूर है आर्गुमेंटेटिव मेथड ऑफ हीलिंग के लिए। इसमें आप पेशेंट को बार बार बताते हैं कि उनकी बीमारी एक गलत बिलीफ, विचार या धारणा की वजह से है। अगर पेशेंट अपना बिलीफ सिस्टम बदल देगा तो उसकी बीमारी खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। हीलर पेशेंट के सामने हर वो प्रूफ और एविडेंस पेश करता है जिससे पेशेंट का बिलीफ सिस्टम बदल जाए, यानी कि एक स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ पेशेंट अपने आप को खुद ही ठीक भी कर लेता है। एक बार डॉक्टर क्विम्बी एक महिला से मिलने गए जो कि काफी बूढ़ी, बीमार और बेडरिडन थी। डॉक्टर क्विम्बी ने उनसे मिलकर बताया कि इस महिला ने खुद को डर के महल में खुद ही कैद किया हुआ है जिसकी वजह से उन्हें पैरालिसिस हो गया था। हम सब बहुत ही शक्तिशाली हैं। हमारे सोचे गए, कहे गए हर शब्द में शक्ति छुपी हुई है, इसीलिए शब्दों का इस्तेमाल बहुत ध्यान से करना चाहिए। एक लड़की बहुत परेशान थी क्योंकि उसके पीछे एक लड़का बुरे तरीके से पड़ा हुआ था। इस लड़की ने अफर्म करना शुरू किया, वो लड़का वहाँ है जहाँ उसे होना चाहिए, मैं बिल्कुल आजाद हूँ और वो भी आजाद है। इस लड़की ने ऐसा बार बार बोला और फिर मानो उस लड़के को जमीन निकल गई। वो लड़का ना फिर कभी इस लड़की को दिखा, ना उसे परेशान कर सका। हम जो चाहते हैं उसे बहुत आसानी से पा सकते हैं। हर चीज के लिए मेहनत, मुशक्कत करना बिल्कुल जरूरी नहीं है। चैप्टर 7, यूनिवर्सल लव का मसीहा। सबकॉन्शियस माइंड हमें जीवन प्रदान करता है। यही हमारे दिमाग का 90% हिस्सा बनाता है और हमारी जिंदगी को चलाता भी है। ये 24 घंटे काम करता है और हमेशा हमें हर खतरे से बचाने की कोशिश करता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड यूनिवर्सल या डिवाइन लव या भगवान, जो भी आप नाम दें, उस शक्ति से जुड़ा हुआ है। आपके बहुत सारे ख्याल, थॉट्स, इंट्यूशंस जो आप लॉजिकली कॉन्शियस माइंड से नहीं सोचते हैं, वो सब आपके सबकॉन्शियस माइंड यानी कि डिवाइन से आते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड आप में ऊर्जा भरता है, जिंदगी जीने का उत्साह लाता है, सपनों की तरफ बढ़ने की शक्ति देता है, खुद से और दूसरों से प्यार करना सिखाता है। सालों पहले 1906 में जब सैन फ्रांसिस्को अर्थक्वेक आया था, तब कुछ लोग जो लंबे समय से बिस्तर पर थे खड़े हो गए थे और दूसरों को बचाने के काम में लग गए थे। ये करामात सबकॉन्शियस माइंड की है। बड़े बड़े आर्टिस्ट्स, म्यूजिशियंस, पोएट्स अपने सबकॉन्शियस माइंड की मदद से कुछ ऐसी चीजें बना पाए हैं जो सदा के लिए अमर हो गई। रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन हर रात सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहते थे कि वो उन्हें नींद में कहानियां बनाकर बताए। स्टीवेंसन के हिसाब से उनकी सारी कहानियां उन्हें सबकॉन्शियस माइंड ने ही बताई हैं।
बिल्कुल इसी तरह मार्क ट्वेन भी कहते थे कि उन्होंने जीवन में कभी काम नहीं किया, उनकी सारी किताबें उनसे उनके सबकॉन्शियस माइंड ने ही लिखवाई हैं। जो भी आपका कॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेता है और सच मान लेता है, उसे आपका ब्रेन आपके सोलर प्लेक्सस तक पहुंचा देता है। सोलर प्लेक्सस आपके सबकॉन्शियस माइंड का ब्रेन होता है। सोलर प्लेक्सस, जिसे हम गट भी कहते हैं, उस थॉट को रियलिटी में हमारे जीवन में क्रिएट कर देता है। कहते हैं कि अगर आप अपने शरीर को उस डिवाइन इंटेलिजेंस के हाथों में छोड़ दें, तो आपको कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। परेशानी तब आती है जब हमारा डर, दूसरों की राय, गलत बिलीफ्स रास्ते का कांटा बन जाते हैं। हम अपने कॉन्शियस माइंड से अपने सबकॉन्शियस माइंड पर गलत इम्प्रेशन डालते हैं और फिर जिंदगी की ब्लूप्रिंट अलग थलग बन जाती है। सबकॉन्शियस माइंड की अपनी एक अलग दुनिया है, जो हर वक्त शांति, सुख, सेहत की तरफ आपको ले जाने की कोशिश कर रही है। ऊपर वाले की अपने हर बच्चे के लिए यही इच्छा है और यही हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी करने की कोशिश करता है। साइंटिस्ट्स का कहना है कि हम हर 11 महीनों में एक नया शरीर बनाते हैं, यानी कि आप चाहें तो डर, एंजाइटी, गुस्सा ऐसे इमोशन से छुटकारा पा सकते हैं, या फिर चाहें तो आप इन्हें अपनी जिंदगी में वापस भी ला सकते हैं। अंधेरे से छुटकारा पाना है तो रोशनी की तरफ मुड़ना होगा। उसी तरह अगर नेगेटिव थॉट्स से मुक्त होना है तो और ज्यादा पॉजिटिव थॉट्स सोचने होंगे। जब एक बच्चा पैदा होता है तो ज्यादातर वो तंदुरुस्त होता है। कुदरत यही चाहती भी है। हम जब पैदा हुए थे तो डर, नफरत, घृणा ऐसे कोई भाव हमारे अंदर थे ही नहीं, यानी कि हमारा सच यही था। जब हम इस सच से दूर हो गए तो हमने दुख को और बीमारियों को न्योता दिया। इसका मतलब ये हुआ कि बीमार पड़ना अजीब बात है, सेहतमंद रहना ही हमारा सच है। जहाँ ग्रोथ है, एक्सप्रेशन है, हेल्थ है, वहीं जिंदगी है। अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो अच्छी बातों का इनफ्लो ज्यादा रखिए, ताकि आपके मन और शरीर में ऊर्जा और शक्ति बढ़े, ना कि कम हो जाए। 1917 में एक बच्चे को पॉट्स डिजीज हो गई थी। उसे स्पाइन का ट्यूबरक्लोसिस हुआ था और डॉक्टर ने कह दिया था कि वो ठीक नहीं हो सकता। बच्चे ने ये बात नहीं मानी। उसने दिन रात अपने सबकॉन्शियस माइंड को कहना शुरू कर दिया, मैं ठीक हूँ, परफेक्ट हूँ, पावरफुल, लविंग, हार्मोनियस हूँ। उसने अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी दुआएं मांगी। रात को सोते वक्त और सुबह उठते ही वो यही कहता और सोचता। उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उसकी बात सुनी और कुछ समय बाद वो बिल्कुल ठीक हो गया। एक और शख्स जो जोसेफ मर्फी के लेक्चर सुनने के लिए आया करता था, उसने अपनी आँखों को बिल्कुल ठीक कर दिया। हर रात सोने से पहले वो विजुलाइज करता कि उसका डॉक्टर उसके सामने खड़ा है और बोल रहा है, अरे वाह, मिरेकल हो गया। 3 हफ्ते बाद जब ये शख्स अपने डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने वाकई उसकी आँखों को देखकर यही कहा, ये तो मिरेकल हो गया। सबकॉन्शियस ने ही आँखों को बनाया है, तो सबकॉन्शियस उसे ठीक भी कर सकता है। रात को सोने से पहले आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को किसी प्रॉब्लम का जवाब या सोल्यूशन ढूंढने का काम भी दे सकते हैं और फिर देखिए आपका पर्सनल जादुई मंत्र कैसे जादू दिखाता है। चैप्टर 8, मनचाहा रिजल्ट पाएं। जब आपका सबकॉन्शियस माइंड कोई बात मान लेता है तो वो उसी वक्त उसे पूरा करने में जुट जाता है। जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही तरीके से यूज करते हैं तब आपके जीवन में खुशी और शांति बढ़ती है। जब आप उसे नेगेटिवली यूज करते हैं तो डर और घबराहट बढ़ती है। इसीलिए जरूरी है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से पूरे विश्वास और भरोसे के साथ अपने मन की बात कहिए और फिर देखिए कैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी रिक्वेस्ट को पूरी करता है। आप दबाव के प्रभाव से अपने सबकॉन्शियस माइंड से कोई भी काम नहीं करवा पाएंगे। जरूरी है कि आपके कॉन्शियस माइंड ने उस बात को एक्सेप्ट कर ली हो। अगर आप कहेंगे कि मुझे डर लग रहा है, मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, मैं हमेशा कंफ्यूज रहती हूं, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड कोई रिस्पांस नहीं दे पाएगा। सोचिए अगर आप एक टैक्सी में बैठते हैं और ड्राइवर को हर 5 मिनट में एक नया रास्ता बताएंगे तो क्या होगा? ड्राइवर परेशान हो जाएगा और आपको ले जाने से मना कर देगा। उसी तरह सबकॉन्शियस माइंड भी आपकी किसी रिक्वेस्ट को पूरा नहीं कर पाएगा। जरूरी है कि आपको अपने मकसद को लेकर क्लैरिटी हो, जिसे आपका कॉन्शियस माइंड फिर सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा सके। सबकॉन्शियस माइंड की दुनिया में हमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानने की जरूरत नहीं है।
हमें बस रिक्वेस्ट करनी है और उस आउटकम को फील करना है। हेल्थ हो, फाइनेंस हो या फिर नौकरी, जो आप चाहते हैं उसे पा लेने के बाद मिलने वाली खुशी को महसूस कीजिए। यही खुशी है आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए एक क्लू कि आपको उस खुशी के पास ले जाना है। कई बार जब आप इमेजिन करते हैं तब आपका लॉजिकल माइंड रास्ते में आ जाता है, लेकिन उस पल में बच्चे जैसा विश्वास रखें और अपने मिरेकल के बारे में सोचते रहें। प्रार्थना हकीकत में तब्दील होती है 3 स्टेप्स में। सबसे पहले प्रॉब्लम को समझिए, उसके बाद सबकॉन्शियस माइंड से प्रॉब्लम का सलूशन पूछिए और फिर भरोसा रखिए कि काम हो गया है। प्रार्थना करने के बाद शायद सब ठीक हो जाएगा, उम्मीद तो पूरी है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। जैसा आप फील करेंगे वैसा ही होगा। अपने सबकॉन्शियस माइंड पर भरोसा रखिए और अपने रास्ते से खुद हट जाइए। अगर आपको कोई जमीन पर पड़ी लकड़ी पर चलने के लिए कहे तो आप आसानी से उस पर चल देंगे, लेकिन अगर वही लकड़ी का टुकड़ा जरा सी ऊंचाई पर दो दीवारों के बीच टंगा हुआ हो तो आप उस पर चलने से डरेंगे, क्योंकि आपको गिरने का खतरा नजर आएगा। ऐसे में आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को जोर जबरदस्ती से कुछ भी बोलें, मगर डर बना रहेगा। इसका मतलब ये है कि आप इच्छा शक्ति या विल पावर से या जोर जबरदस्ती से अपने सबकॉन्शियस माइंड को नहीं बदल सकते हैं। जितनी आसानी से आपका सबकॉन्शियस माइंड किसी चीज को एक्सेप्ट करेगा, उतनी ही आसानी से वो चीज हो जाएगी। आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का साथ चलना बहुत जरूरी है। जब तक हमारे अंदर ही जंग चलती रहेगी, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जंग को खत्म करने का सबसे सरल तरीका है मेडिटेटिव स्टेट में पहुंच जाना और फिर अपने सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट करना, क्योंकि उस वक्त आपका कॉन्शियस माइंड नींद की स्थिति में जा चुका होता है और रास्ते से हट जाता है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से सबसे अच्छे तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं जब आप सोने वाले होते हैं और सुबह के वक्त जब आप बस उठे ही होते हैं। आपको अपने इमेजिनेशन को डायरेक्ट करना है, कंट्रोल करना है और डिसिप्लिन करना है। जोसेफ मर्फी के कहने पर एक लड़की जो अपने लीगल प्रॉब्लम से बहुत परेशान थी, यही करने लगी। हर रात सोने से पहले एक ड्राउजी स्टेट में पहुंचकर वो इमेजिन करती थी कि उसकी प्रॉब्लम अब सॉल्व हो चुकी है, वो बहुत खुश है और केस सेटल हो चुका है। कुछ हफ्ते बाद लॉयर का कॉल आया। जैसा वो सोच रही थी वैसा ही हुआ। जो आपकी फीलिंग है वही आपका सच बनेगा। सेहत चाहते हैं तो सेहतमंद होने का एहसास जागरूक कीजिए। दौलत चाहते हैं तो दौलतमंद होने की फीलिंग लाइए। चैन से यही सोचते हुए सोइए और हर सुबह उठते हुए यही सोचिए और नए दिन की शुरुआत कीजिए। चैप्टर 9, पैसा ये पैसा। अगर आपको पैसों की तंगी हो रही है या पैसों को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड इस बात को मानता ही नहीं है कि आपके पास जरूरत से ज्यादा पैसे हो सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बहुत थोड़ी सी मेहनत करते हैं और बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं। सिर्फ पसीना बहाकर कड़ी मेहनत करके पैसा आएगा, ये एक बहुत बड़ा झूठ है। अगर आप दिन रात खुद से बोलते रहेंगे मैं पैसे वाला हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, तो आप पैसे वाले नहीं बन जाएंगे, क्योंकि अगर किसी के दिमाग में गरीबी है तो वो गरीब ही रहेगा। हर दिन अपने आप से दिन में 3 या 4 बार करीब 5 मिनट के लिए ये कहिए, वेल्थ सक्सेस। इन शब्दों में बहुत ताकत है। मैं पैसे वाला हूँ, जब आप ये बोलते हैं तो आपका कॉन्शियस माइंड आपको कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मगर जब आप वेल्थ कहते हैं तब कोई कॉन्फ्लिक्ट दिमाग में नहीं आता। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक बैंक की तरह है, आप जो भी उसमें डालेंगे वो बड़ा हो जाएगा। इसीलिए जब आप बार बार वेल्थ बोलेंगे तो आपकी जिंदगी में पैसा आएगा भी और बढ़ेगा भी। अगर आपके मन में भविष्य को लेकर बहुत डर है तो आप अपनी तरफ नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। आपके काम बनते बनते रुक जाएंगे, बाधाएं आएंगी। इसीलिए जरूरी है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो डालिए जो आप बढ़ाना चाहते हैं। अब आप ये कह सकते हैं कि मैंने ऐसा करने की कोशिश की है मगर कुछ खास हुआ नहीं। वो इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने पॉजिटिव सोचा और फिर उसके 10 मिनट बाद डर लौट आया। आप डर की चपेट में फिर से आ गए।
आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को विश्वास दिलाना है कि आपके पास हमेशा पैसा होता है, आपके आसपास पैसा घूमता रहता है और आपको जब भी जरूरत होगी पैसा आ जाएगा। अक्सर अगर किसी और के पास ज्यादा पैसा आ जाए या कोई और हमसे ज्यादा तरक्की करने लगे तो हम उसे क्रिटिसाइज करते हैं। ऐसा हम जलन की वजह से करते हैं, क्योंकि हमारे पास वो नहीं है जो उसके पास है। मगर ऐसा करने से हम वेल्थ से और दूर चले जाते हैं। अगर आप किसी को देखें जिसके पास आपसे ज्यादा पैसे हैं, तो उसे दुआ दीजिए ताकि वो और पैसे वाला बने। ऐसा करने से आप पैसे के साथ अपने रिश्ते को पॉजिटिव बना रहे हैं। जब हम जलते हैं और जिसके पास पैसा है उसकी निंदा करते हैं, उसके बारे में बुरा बोलते हैं, तो पैसा हमेशा हमसे दूर भागता है। हम इस धरती पर आए हैं ताकि हर तरीके से ग्रो कर सके। आपकी हर इच्छा के पूरे होने से सिर्फ आपकी नहीं, आपसे जुड़े हर शख्स की ग्रोथ होगी। जब आपके शरीर में खून का बहाव सही है, तब आपकी सेहत भी ठीक ठाक है। उसी तरह जब आपकी जिंदगी में पैसों का बहाव सही है, तब आपकी आर्थिक सेहत भी ठीक ठाक है। जब हम डर की वजह से पैसों को छुपाना शुरू कर दें या खर्च करने से खुद को रोकना शुरू कर दें, तो हम बीमार कहलाएंगे। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कन्विंस कर देते हैं कि आपके पास हमेशा पैसा होगा, तो पैसा आपके पास किसी न किसी तरह से पहुंच ही जाएगा। अगर आप हर वक्त यही कहते रहेंगे कि मेरी सैलरी इससे ज्यादा होनी चाहिए, तब भी आप कहीं ना कहीं पैसे को खुद से दूर कर रहे हैं। कभी कभी हमें गरीबी में मजा आता है, क्योंकि बचपन से हमने सुना होता है पैसा हर फसाद हर मुसीबत की जड़ है। कुछ लोग पैसे कमाने को अपनी जिंदगी का मकसद बना लेते हैं, दिन रात पैसे के बारे में सोचते हैं। मगर खुश रहने के लिए हमें सब कुछ चाहिए। पैसे के साथ साथ सुख शांति अच्छे रिश्ते अच्छी सेहत। इसीलिए बहुत सारा पैसा आ तो जाता है, मगर उसके बाद भी हमें खुशी का एहसास नहीं मिल पाता। अगर आपकी तबीयत खराब है तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे। उसी तरह से अगर आपको पैसों की कमी है तो आपकी तबीयत खराब है। यूनिवर्स में किसी चीज की कमी नहीं है। हम सबके लिए हमारी जरूरत से कई ज्यादा पैसा है। हमें उस पैसे को अपनी ओर आकर्षित करना है एक सही बिलीव सिस्टम की मदद से। अगर आप पैसे को क्रिटिसाइज करेंगे, उससे डरेंगे या उससे नफरत करेंगे, तो वो आपके पास नहीं आएगा। हर दिन कई बार ये दोहराइए, मुझे पैसे से प्यार है, मुझे पैसा बहुत पसंद है, पैसा मेरी जिंदगी में बहता रहता है, मैं पैसे को बहुत प्यार और ध्यान से खर्च करती हूँ, मेरे पास पैसों का भरमार है, मैं खुशी से खर्च करती हूँ और वो पैसा मल्टीप्लाई होकर वापस मेरे पास लौट आता है। ऑस्ट्रेलिया में एक छोटा लड़का सर्जन बनना चाहता था। उसके पास पैसे नहीं थे। वो एक मेडिकल बिल्डिंग में काम करता था, रोज डॉक्टर्स की सर्टिफिकेट साफ करता था। उसने हर रात सोने से पहले इमेजिन करना शुरू किया कि उसके नाम का डिप्लोमा दीवार पर टंगा हुआ है, उसका नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। कुछ समय बाद एक डॉक्टर ने इस लड़के को अपना असिस्टेंट बना लिया। इस डॉक्टर को ये लड़का इतना पसंद आया कि इन्होंने इसे पढ़ने के लिए मेडिकल स्कूल भी भेज दिया और पढ़ाई के खर्च का जिम्मा खुद उठा लिया। आज ये लड़का कनाडा का एक काबिल और जाना माना सर्जन है। इस लड़के ने इतनी शिद्दत से अपने सपने को इमेजिन किया कि सबकॉन्शियस माइंड ने उस सपने को हकीकत में तब्दील कर ही दिया। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और हर वक्त मन ही मन आप सोचते रहते हैं कि आपको ज्यादा पैसे या बड़ा ओहदा मिलना चाहिए, तो धीरे धीरे आप कंपनी के साथ अपने रिश्ते को कमजोर कर रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब आपका मैनेजर आपसे आकर कहेगा कि आप जा सकते हैं। और अगर आपके कॉलीग को आपसे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, तो उनकी निंदा मत कीजिए, उन्हें दुआ दीजिए कि वो और ज्यादा पैसे कमाएं। ऐसा करने से आपका पैसों के साथ रिश्ता पॉजिटिव और मजबूत बनेगा। अगर आप स्टॉक्स या बॉन्ड्स या और किसी इन्वेस्टमेंट को लेकर परेशान हैं, तो मन में कहिए, सबकॉन्शियस माइंड की इंटेलिजेंस मेरे सारे ट्रांजैक्शंस को देख रही है और मुझे सही रास्ता दिखा रही है। मैं हमेशा तरक्की के रास्ते पर चलूंगी। कुछ लोग दुकानों से मॉल्स में चोरी करते हैं। ऐसे लोग खुद से चोरी कर रहे हैं, खुद से चैन खुशी सुख शांति सब कुछ चुरा रहे हैं। ये लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड से काफी दूर हो चुके हैं। आप खुद से रोज
या अफर्मेशन बोल सकते हैं, अमीर, खुश और कामयाब होना मेरा हक है। मेरे पास बेशुमार पैसा है और पैसा बहता ही रहता है। मुझे अपनी ट्रू वर्थ का अंदाजा है। मैं अपने टैलेंट्स का इस्तेमाल करती हूँ और बदले में बहुत सारा पैसा कमाती हूँ। जिंदगी बेहद खूबसूरत है। पैसे वाला बनना आपका हक है, बस आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये बात समझनी है और माननी है। चैप्टर 10, सबकॉन्शियस माइंड और कामयाबी। कामयाबी यानी सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। सक्सेस वो सारी चीजें होती हैं जो आप छू नहीं सकते, जैसे कि खुशी, प्यार, शांति, सिक्योरिटी। सक्सेस को पाने के 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमें ये जानना है कि हमें क्या करना बहुत अच्छा लगता है। अगर कोई साइकियाट्रिस्ट है तो सिर्फ उनके पास एक डिप्लोमा होना काफी नहीं है। एक कामयाब साइकियाट्रिस्ट वो होगा जो सेमिनार्स में जा रहा है, लेटेस्ट आर्टिकल्स के बारे में पढ़ रहा है और अपने पेशेंट्स की मदद करने के लिए अपने नॉलेज को रह रहकर अपग्रेड कर रहा है। अगर आपको नहीं पता कि आपको क्या करना पसंद है तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से पूछिए और आपको जवाब जरूर मिलेगा। सक्सेस का दूसरा स्टेप है किसी एक फील्ड में स्पेशलाइज करना और उस फील्ड में आपको सबसे ज्यादा पता हो। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई लड़का केमिस्ट्री में अपना करियर बनाता है तो वो केमिस्ट्री के किसी स्पेसिफिक ब्रांच में स्पेशलाइज करेगा और उस सब्जेक्ट पर इतना अध्ययन करेगा कि उससे ज्यादा फिर किसी को आता नहीं होगा। किसी तरह काम को कर लेने वाले एटीट्यूड से हमें सक्सेस कभी नहीं मिलती। आपकी कामयाबी से लोगों की खुशियां जुड़ी होनी चाहिए और यही है कामयाब होने का तीसरा रूल। जो भी आपकी इच्छा है उसके पूरे होने से सिर्फ आपको नहीं बहुत लोगों को खुशी मिलेगी और फायदा होगा। कई लोग झूठ बोलकर धोखा देकर पैसे कमा लेते हैं, मगर ऐसा पैसा कभी टिकता नहीं है। अगर हम किसी और को धोखा देते हैं तो हम दरअसल खुद को धोखा दे रहे हैं। मन की शांति के बिना पैसा मायने नहीं रखता और ना ही ऐसा जीवन एक कामयाब जीवन कहलाएगा। लंदन में एक चोर रहता था, चोरी करके काफी रईस बन गया था। फ्रांस में एक बड़ा घर था, खुद बहुत फैशनेबल भी था, मगर हर वक्त डर में जीता था। उसे नींद नहीं आती थी, गिल्ट की वजह से और भी बीमारियां हो गई थी। हर समय पकड़े जाने का डर उसे अंदर ही अंदर खत्म कर रहा था। थक हार कर उसने सरेंडर कर दिया। कुछ साल बाद जब जेल से बाहर आया तब वो बिल्कुल बदल चुका था। उसने एक नई शुरुआत की और अच्छा जीवन व्यतीत किया। एक कामयाब इंसान वो है जिसकी स्पिरिचुअल समझ अच्छी और सही है, जो ऊपर वाले के बनाए गए नियमों के मुताबिक जीता है। आप किसी भी फील्ड में हो सकते हैं अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाते हैं और अपने टैलेंट्स को दूसरों की सेवा के लिए यूज करने की कोशिश करते हैं तो आप हर तरह से कामयाब हैं। अगर आप धरती पर ऊपर वाले का काम करना चाहते हैं तो ऊपर वाला हर कदम पर आपका साथ देगा। आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। एक लड़का था जो बहुत गरीब था, मगर बड़ा होकर एक सक्सेसफुल मूवी एक्टर बनना चाहता था। हर दिन खेत में हल चलाते वक्त वो यही सोचता था कि उसका नाम बड़े पर्दे पर चमक रहा है। फिर एक दिन वो घर से भाग गया, मूवी बिजनेस में असिस्टेंट का काम करने लगा। और फिर एक दिन ऐसा आया जब उसने अपना नाम बड़े पर्दे पर बड़े अक्षरों में लिखा देखा। किसी भी चीज को एक लंबे समय तक इमेजिन करने से हम उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड में और ज्यादा गहराई से उतार लेते हैं। 30 साल पहले एक फार्मासिस्ट बहुत मुसीबतों का सामना कर रहा था। हफ्ते के $40 कमाता था और भविष्य को लेकर उसकी कोई प्लानिंग नहीं थी। जोसेफ मर्फी ने उससे पूछा कि तुम खुद का ड्रग स्टोर क्यों नहीं खोल लेते। उसने इस बारे में सोचना शुरू किया, अपने सबकॉन्शियस माइंड को कन्विंस कराया कि वो खुद का स्टोर चाहता है। उसने इमेजिन किया कि वो बॉटल्स अरेंज कर रहा है, लोग उसकी दुकान के बाहर लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। उसने अपने बैंक बैलेंस को भी इमेजिन किया। कुछ समय बाद उसकी नौकरी हाथ से निकल गई। फिर उसे एक बड़े स्टोर में मैनेजर की नौकरी मिली। इस नई नौकरी में उसका प्रमोशन भी हुआ। उसने 4 साल खूब पैसे कमाए और बचाए और फिर एक दिन अपनी फार्मेसी खोल ली, जिसका नाम था ड्रीम फार्मेसी। गोएटा खुद से बातें करने के लिए मशहूर थे। वो इमेजिन करते थे कि उनके कोई दोस्त उनके सामने बैठे हुए हैं और उन्हें सलाह दे रहे हैं।
इस टेक्निक का इस्तेमाल एक स्टॉक ब्रोकर ने अपनी जिंदगी में किया और इमेजिन किया कि वो अपने बहुत ही रईस दोस्त से बातचीत कर रहा है जो उसे इन्वेस्टमेंट टिप्स भी दे रहा है। इस स्टॉक ब्रोकर का मकसद था अपने क्लाइंट्स को सही सलाह देना ताकि उनका पैसा दुगना चौगुना हो सके। अपने सबकॉन्शियस माइंड की मदद से आज ये शख्स बेहद कामयाब बन चुका है। एक 16 साल का लड़का बहुत परेशान था। उसके ग्रेड्स काफी खराब आते थे, उसे कुछ याद ही नहीं रहता था। प्रॉब्लम ये थी कि इस लड़के को अपने टीचर्स और कुछ क्लासमेट्स पसंद नहीं थे। इसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक नई कहानी सुनानी शुरू कर दी। रात को सोने से पहले और उठते ही ये अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहता, मैं जो भी पढ़ता हूँ मुझे याद रहता है, मुझे एग्जाम के दौरान जो भी याद आना होता है वो आसानी से याद आ जाता है। मैं अपने सारे टीचर्स और क्लासमेट्स को प्यार, खुशियाँ और दुआएं भेज रहा हूँ। और बस कहानी बदल गई, लड़के के ग्रेड्स सुधर गए। आप प्रॉपर्टी खरीदते या बेचते वक्त भी अपने सबकॉन्शियस माइंड की मदद ले सकते हैं। सबसे पहले अपने दिमाग को पूरी तरह से शांत कीजिए। अगर आप अपने सपनों का घर लेना चाहते हैं तो अपने सबकॉन्शियस माइंड से गहरे मेडिटेटिव स्टेट में जाकर कहिए, कुदरती शक्ति सब कुछ जानती है, मेरा आइडियल घर मेरे सामने आ रहा है, मेरी इनकम के मुताबिक सब कुछ मेरे पसंद का है और मैं इस घर में बहुत खुश हूँ। मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मुझे मेरे घर से जल्द मिलाया जाए। आपको इस प्रार्थना का जवाब एक एडवर्टाइजमेंट के जरिए, एक दोस्त के जरिए, न्यूज़पेपर के जरिए किसी भी तरह से मिल सकता है। इसी तरह से आप प्रॉपर्टी को बेचने के लिए भी सबकॉन्शियस माइंड की मदद ले सकते हैं। जोसेफ मर्फी ने अपने घर के बाहर बागीचे में बोर्ड लगाया हुआ था जिस पर लिखा हुआ था फॉर सेल। उन्होंने अपने आप से पूछा कि अगर घर बिक गया तो उस बोर्ड का क्या होगा। जवाब था कि बोर्ड को वो निकाल कर फेंक देंगे। बस फिर जोसेफ ने इमेजिन किया कि वो बोर्ड को निकाल कर फेंक रहे हैं और बोर्ड से खुशी से कह रहे हैं कि अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। ठीक अगले दिन उनका घर बिक गया और नए मकान मालिक ने उनसे फॉर सेल का बोर्ड हटाने के लिए कह दिया। अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो अपने सबकॉन्शियस माइंड से ये कहिए, कुदरती ताकत मुझे उस शख्स से मिला रही है जिसकी इस घर में रहने से तरक्की होगी, उसकी जिंदगी खुशहाल बनेगी और वो मेरे लिए हर तरह से एक सही बायर होगा। हम दोनों को कुदरत सही वक्त पर मिलाएगी, पैसे भी सही होंगे और इसमें हम दोनों की खुशी होगी। हमेशा याद रखिए कि जिसे आप ढूंढ रहे हैं वो आपको भी ढूंढ रहा है। अगर आप घर या प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो कोई है जो आपकी प्रॉपर्टी खरीदना भी चाहता है। जोसेफ मर्फी के लेक्चर्स में एक लड़की 3 बसेस बदलकर 1.5 घंटे का सफर पूरा करके आया करती थी। लेक्चर्स से उसने इमेजिनेशन की ताकत को समझा। इस लड़की ने इमेजिन करना शुरू किया कि ये अपनी फेवरेट कार ड्राइव कर रही है। ये कार शोरूम में गई, अपनी फेवरेट कार की टेस्ट ड्राइव भी ले ली और अगले 2 हफ्ते तक यही इमेजिन करती रही कि वो कार ड्राइव कर रही है, बहुत खुश है। और फिर कुछ दिन बाद इस लड़की के एक अंकल गुजर गए। उन्होंने अपनी गाड़ी और अपनी प्रॉपर्टी इस लड़की के नाम छोड़ दी। जोसेफ के अगले लेक्चर पर ये मैडम अपनी खुद की कार ड्राइव करके पहुंची। सक्सेस, इस शब्द में बहुत ताकत होती है। कई कामयाब उद्योगपति इस शब्द को दिन में कई बार बोलते हैं जिसकी वजह से ये शब्द उनकी जिंदगी की सच्चाई बन जाती है। आप भी खुद से दिन में कई बार सक्सेस कह सकते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे आपके जीवन का सच मान लेगा और फिर जिंदगी उसी राह पर चल पड़ेगी। हर रात सोने से पहले सक्सेसफुल फील करने की कोशिश कीजिए। जो भी आप चाहते हैं वो आपके पास पहले से मौजूद है, दिख नहीं रहा है अभी मगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्रिएट हो चुका है। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पर और अपने सपने पर भरोसा रखेंगे तो आप भी इसी वक्त सक्सेसफुल फील करेंगे। इसीलिए सक्सेस इस शब्द को बार बार पूरे विश्वास और भरोसे के साथ दोहराइए। चैप्टर 11, साइंटिस्ट्स और सबकॉन्शियस माइंड। कई साइंटिस्ट ने सबकॉन्शियस माइंड की मदद से काफी सारी डिस्कवरीज की हैं। करीब 40 साल पहले डॉक्टर बैंटिंग, जो कनाडा के एक मशहूर फिजिशियन थे,
डायबिटीज का इलाज ढूंढ रहे थे। एक दिन वो काफी थके हुए थे और सो गए। तब उनके सबकॉन्शियस माइंड ने उन्हें सुझाव दिया कि वो डॉग्स के पैनक्रियाटिक डक्ट से रेसिड्यू को निकाले और इसी तरह इंसुलिन का आविष्कार हुआ। डॉक्टर बैंटिंग काफी समय से इस विषय पर सोच रहे थे तो उनके सबकॉन्शियस माइंड ने उन्हें इस तरह से सलूशन दिया। आप भी हर रात सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड से सवाल पूछ सकते हैं। शायद आपको जवाब एक रात में मिल जाए, शायद थोड़ा समय लगे, मगर जवाब जरूर मिलेगा। अगर आपको लगता है कि जवाब मिलने में बहुत वक्त लगेगा या फिर समस्या बहुत ज्यादा गंभीर है, तो फिर आपकी सोच के मुताबिक जवाब मिलने में ज्यादा वक्त वाकई में लग जाएगा। आपके सबकॉन्शियस माइंड को टाइम या स्पेस के कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते हैं। विश्वास रखिए कि आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास इस वक्त जवाब है। आपकी परिस्थिति इस वक्त कैसी भी हो, आपकी प्रॉब्लम का सलूशन आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास है और वो सलूशन अभी सामने आ सकता है। डॉक्टर लोथर रशिया में प्रिजनर ऑफ वॉर बनकर कैद थे। उनके आसपास सुबह शाम लोगों को बेरहमी से मारा जा रहा था। डॉक्टर लोथर ने अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल किया अपनी जिंदगी की नई कहानी लिखने के लिए। जर्मनी में उनका घर खत्म हो चुका था, परिवार वाले दोस्त सब मारे जा चुके थे। उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहा कि वो लॉस एंजलिस जाना चाहते हैं। उन्होंने लॉस एंजलिस की कुछ तस्वीरें देखी हुई थी। वो उन्हीं तस्वीरों को बार बार याद करके इमेजिन करते कि वो उन गलियों से गुजर रहे हैं और उनके साथ एक अमेरिकन लड़की है। इस लड़की से वो वॉर से पहले मिल चुके थे और आज ये लड़की वाकई में इनकी बीवी है। काफी दिन तक डॉक्टर लोथर अपने दिमाग में ये तस्वीर बनाते रहे। फिर एक सुबह चीफ गार्ड सारे कैदियों की गिनती ले रहा था। डॉक्टर लोथर का नंबर था 17। 16 तक गिनने के बाद गार्ड को किसी ने बुला लिया। डॉक्टर लोथर चुपके से निकल लिए। जब गार्ड वापस आया तब उसने 17 से गिनती शुरू की, यानी कि डॉक्टर लोथर के पीछे खड़े हुए कैदी का नंबर 17 हो गया था। शाम को भी कैदियों की गिनती उतनी ही थी, इसीलिए डॉक्टर लोथर का गायब होना किसी को पता भी नहीं चला। वो घंटों चलते रहे और भागते भागते पोलैंड आ पहुंचे। उसके बाद कुछ लोगों की मदद से स्विट्जरलैंड पहुंचे। वहां उन्हें एक अमेरिकन कपल मिला जिन्होंने उन्हें कैलिफोर्निया आने का न्योता दिया और बस जैसा डॉक्टर लोथर ने हमेशा मन में सोचा था वैसा ही हुआ। कुछ दिनों बाद वो लॉस एंजलिस की गलियों से ही गुजर रहे थे। आज तक जो भी दुनिया में हुआ है आपके सबकॉन्शियस माइंड को वो हर एक चीज पता है। एक साइंटिस्ट अपने सबकॉन्शियस माइंड की मदद से हिस्ट्री में चला जाता है और बीता हुआ सच जान भी लेता है और उसे अच्छी तरह से समझ भी जाता है। जब कभी आपको लगे कि आपको एक बहुत जरूरी फैसला लेना है और कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले अपने दिमाग को शांत कीजिए, अपने शरीर को रिलैक्स होने को कहिए। अब अपना फोकस सॉल्यूशन पर ले जाइए। जब आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा तब आप कितना हल्का महसूस करेंगे। आपकी सालों की तमन्ना जब पूरी हो जाएगी तब आप कैसे सुकून की सांस लेंगे। बस उसी एहसास का मजा लीजिए और ये करते करते सो जाइए। शायद अगली सुबह आपके पास जवाब हो, शायद ना हो, या शायद दिन में कोई और काम करते हुए अचानक से आपको इस समस्या का समाधान मिल जाए। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि एक बार उनकी एक कीमती रिंग मिल नहीं रही थी और वो काफी परेशान हो गए थे। उस रात सोने से पहले उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहा, तुम सब जानते हो, तुम मुझे बताओ कि वो रिंग कहाँ है। अगली सुबह जोसेफ को उठते ही 3 शब्द सुनाई दिए, रॉबर्ट से पूछो। जोसेफ ने सोचा कि रॉबर्ट 9 साल का बच्चा है, मैं उससे क्या पूछूं? फिर भी जब जोसेफ ने रॉबर्ट से पूछा तो रॉबर्ट ने बताया कि लड़कों के साथ खेलते वक्त उसे एक रिंग मिली थी जिसे उसने अपने कमरे में रख दिया था। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पर भरोसा करेंगे तो वो हमेशा आपकी मदद करेगा। एक नौजवान लड़के के पिता की मृत्यु हो गई। सभी को लगा कि पिता ने कोई विल नहीं छोड़ा होगा, मगर लड़के की बहन ने उससे कहा कि पिता ने विल लिखी है। सबने कोशिश की कि उस विल का पता लग जाए, मगर किसी को कुछ भी पता नहीं चल पाया। इस लड़के ने फिर अपने सबकॉन्शियस माइंड से पूछा कि विल कहाँ है। पूरी रात आंसर 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 ये बोलते हुए ये लड़का सो गया।
सुबह उठने पर उसके अंदर से एक आवाज आई और उसे लगा कि लॉस एंजलिस में किसी एक बैंक में उसे चेक करने के लिए जाना चाहिए। वहां जाने पर पता चला कि उसके पिता का उस बैंक में एक सेफ डिपॉजिट वॉल्ट था। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड से इस कदर जुड़ना है कि सबकॉन्शियस आपका इस्तेमाल करने लगे आपकी जिंदगी को आगे ले जाने के लिए। जब आप कॉन्शियस माइंड से ऊपर उठकर सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट कर लेते हैं तो अंदर से एक खिंचाव महसूस होता है जो आपको सही दिशा पर अपने आप लेकर चलना शुरू कर देता है। सबकॉन्शियस माइंड का जवाब एक फीलिंग, एहसास, इंट्यूशन के रूप में आता है और जब आप उसके कहने पर चलते हैं तब आप गलत फैसला ले ही नहीं सकते। आपका हर एक कदम आपको एक खुशहाल और शांत जीवन की तरफ ले जाएगा। चैप्टर 12, सबकॉन्शियस माइंड और आपकी नींद। 24 घंटों में से हम करीब 8 घंटे सोते हैं। जीवन की बहुत सारी परेशानियों का हल हमें नींद में मिल जाता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड ना रुकता है ना थकता है। नींद में भी हमारे सारे ऑर्गन्स काम कर रहे होते हैं। आपके बाल और आपके नाखून भी बढ़ रहे होते हैं। सोते वक्त हमारा कॉन्शियस माइंड रास्ते से हट जाता है और हमें मौका मिलता है अपने सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ने का। शक्ति, समझ और कुदरत की सारी ताकत हमें सबकॉन्शियस माइंड से प्राप्त होती है। इस ताकत और ऊर्जा को पाने के बाद हम सुबह उठते हैं और अपनी सारी परेशानियों का सामना करते हैं। नेशनल एसोसिएशन फॉर मेंटल हेल्थ के डॉक्टर जॉर्ज स्टीवेंसन का कहना है कि हर इंसान को कम से कम 6 घंटे की नींद चाहिए ही होती है। अक्सर लोगों को इससे ज्यादा नींद चाहिए होती है और जो लोग कहते हैं कि वो बहुत कम नींद में काम चला लेते हैं वो खुद से झूठ बोल रहे हैं। सोने से सिर्फ आपके शरीर को आराम नहीं मिलता है, आपकी आत्मा रिचार्ज होती है, आपकी स्पिरिचुअल शक्ति बढ़ती है। इसीलिए अच्छी नींद जीवन में खुश रहने के लिए बहुत जरूरी है। एक रिसर्च हुआ था जिसमें 100 से ज्यादा मिलिट्री और सिविलियन वॉलंटियर्स को 4 दिन तक सोने से रोका गया था। 4 दिन तक नहीं सोने के बाद ये वॉलंटियर्स खड़े खड़े सो रहे थे। इनका खुद पर काबू ही नहीं रहा था और ये सोने के लिए कुछ भी कर सकते थे। इनकी याददाश्त तक कमजोर हो गई थी। ये ना कुछ समझ पा रहे थे और ना ही याद रख पा रहे थे। अक्सर गाड़ी चलाते वक्त जब हमारी आंख लग जाती है तब हम इसी अवस्था में होते हैं। नींद की कमी की वजह से कुछ क्षणों के लिए हमारा खुद पर काबू नहीं रहता है। एक महिला को एक बहुत अच्छी नौकरी का ऑफर मिला। इस ऑफर में उनकी सैलरी प्रेजेंट सैलरी के मुताबिक डबल थी। ये महिला सोच में थी कि इस जॉब को ले या मना कर दे। इन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड से पूछा कि जो मेरे लिए और सबके लिए सही है वही होना चाहिए और सबकॉन्शियस माइंड उन्हें सही रास्ता दिखाए। सुबह उठने पर इस महिला को लगा कि उन्हें इस ऑफर को जाने देना चाहिए, ये नौकरी उनके लिए सही नहीं होगी। कुछ महीनों बाद ये कंपनी बैंकरप्ट हो गई और इस महिला का ये ऑफर ठुकरा देने का निर्णय बिल्कुल सही साबित हुआ। जोसेफ मर्फी को खुद सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले एक बहुत ही अच्छा जॉब ऑफर आया था। इन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड से सलाह और मदद मांगी। इनके सपने में एक पुराना दोस्त आया जो उन्हें अखबार की हेडलाइंस दिखा रहा था। हेडलाइन में लिखा हुआ था कि पर्ल हार्बर पर अटैक हुआ है। सबकॉन्शियस माइंड आपका भरोसा जीतने के लिए आपके सपने में उस शख्स को लाएगा जिस पर आप भरोसा करते हैं। जोसेफ मर्फी के सपने में उनका दोस्त आया। हो सकता है आपके सपने में आपकी माँ आए या कोई ऐसा जो आपके बहुत करीब हो। जोसेफ को अपने सपने से समझ आ गया था कि उन्हें ये नौकरी नहीं लेनी चाहिए और ये भी कि दुनिया में कुछ बहुत बुरा होने वाला है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड यूनिवर्सल सबकॉन्शियस से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम चाहें तो होने वाली घटनाओं को पहले से ही देख और समझ सकते हैं। इसी तरह से एक देश का भविष्य उस देश में रहने वाले लोगों के सबकॉन्शियस माइंड के हिसाब से तय होगा। जब जोसेफ ने हेडलाइंस देखी थी उसके 3 साल बाद वॉर शुरू हुआ, मगर लोगों के दिमाग में वॉर का ख्याल पहले से आ चुका था। तभी जोसेफ यूनिवर्सल सबकॉन्शियस से जुड़कर उस छवि को अपने सपने में पहले ही देख पाए। अगर आप प्रार्थना करते हैं और ऊपर वाले पर सच्चा विश्वास रखते हैं तो आपको कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन खूब सपने देखते थे।
वो हर रात सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को इंस्ट्रक्शंस दिया करते थे। सबकॉन्शियस माइंड उनकी हर कहानी को आगे बढ़ाता था उनके सपनों के माध्यम से। वो अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहते थे कि मुझसे ऐसी किताब लिखवाओ जो बेस्ट सेलर बने और जिससे मैं खूब सारा पैसा कमाऊं। वो अपनी कामयाबी का पूरा श्रेय अपने सबकॉन्शियस माइंड को ही देते हैं। अगर आपको रात को सोने में परेशानी होती है और नींद नहीं आती है, तो खुद को रिलैक्स कीजिए और प्यार से धीरे धीरे कहिए, मेरा शरीर रिलैक्स्ड है, मेरा दिमाग रिलैक्स्ड है, मेरी आंखें रिलैक्स्ड हैं, मैं पूरी तरह से खुद को और दूसरों को माफ करती हूँ, मैं सबके लिए अच्छा चाहती हूँ, मैं अपने अंदर के भगवान के साथ जुड़ चुकी हूँ, आज पूरी रात मेरा मन शांत होगा और मैं सुबह प्यार और शांति के साथ एक नई शुरुआत करूंगी, मेरे चारों तरफ प्यार और रोशनी है। अगर आपको कभी सुबह उठने की चिंता सताए, तो अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहिए कि वो आपको इतने बजे उठा दे, और फिर देखिए कैसे आपकी नींद खुद ब खुद ठीक उतने ही बजे खुल जाएगी। बिल्कुल इसी तरह सबकॉन्शियस माइंड के लिए किसी भी समस्या का हल ढूंढना बेहद आसान होता है। सोने से पहले खुद को और सबको माफ करके सोएं। ऐसा करने से आपकी हीलिंग बहुत अच्छी और गहरी होगी। अगर आप किसी किताब, प्ले या आविष्कार पर काम कर रहे हैं, तो सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड से आगे बढ़ने का रास्ता पूछिए और फिर जादू होता देखिए। चैप्टर 13, सबकॉन्शियस माइंड और शादी। खुद के सबकॉन्शियस माइंड की ताकत को ना समझ पाना शादी में परेशानियों का कारण बनता है। डिवोर्स से बचने का सबसे अच्छा समय होता है शादी से पहले। शादी जो दिल से जुड़ी हुई हो और दिल से की गई हो सच्ची होती है। कैरेक्टर, सच्चाई, अच्छाई, अच्छे इरादे एक शादी की नींव को मजबूत बनाते हैं। अगर एक आदमी किसी औरत से उसके पैसों के लिए, उसकी खूबसूरती के लिए या खुद समाज में अच्छा दिखने के लिए शादी करता है, तो उस शादी में सच्चाई नहीं है। ऐसी शादी झूठ की बुनियाद पर खड़ी हुई है। उसी तरह से अगर एक औरत अपनी जिंदगी में काम करते करते थक गई है और पैसों के लिए, सिक्योरिटी के लिए शादी करना चाहती है, तो उस शादी की नींव भी गलत होगी। कोई भी औरत या मर्द अपने सबकॉन्शियस माइंड की ताकत से पैसे, सेहत, सिक्योरिटी सब कुछ पा सकता है या पा सकती है। उसके लिए आपको शादी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने लिए एक अच्छा पति ढूंढ रही हैं, तो रात को सोने से पहले आराम से बैठिए, आंखें बंद कीजिए, शांत मन से अपने सबकॉन्शियस माइंड से बातचीत कीजिए। मैं अपनी जिंदगी में एक सच्चा, सीधा, वफादार, खुश रहने वाला, अच्छा इंसान आकर्षित कर रही हूँ। ये सारी क्वालिटीज जिन्हें मैं पसंद करती हूँ, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में भी समा रही हैं। मेरे और मेरे पति में एक अट्रैक्शन है जो हमें एक दूसरे की ओर खींच रहा है। मुझे पता है मैं उसके जीवन में खुशियां लाऊंगी और वो मुझसे बहुत प्यार करता है। ना मैं उसे बदलना चाहती हूँ और ना वो मुझे बदलना चाहता है। हमारे रिश्ते में प्यार, इज्जत और फ्रीडम है। हर रात अपने सबकॉन्शियस माइंड से ये कहिए और आपका सबकॉन्शियस माइंड एक रास्ता बनाएगा जिस पर चलते हुए आप अपने जीवन साथी से जरूर टकराएंगे। इसी तरह से अगर आप अपने लिए एक अच्छी पत्नी ढूंढ रहे हैं, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से ये कह सकते हैं, मैं एक ऐसी पत्नी अट्रैक्ट कर रहा हूँ जिसके साथ मैं पूरी तरह से घुल मिल गया हूँ। हमारे बीच डिवाइन लव है। मैं अपनी पत्नी का जीवन खुशियों से और प्यार से भर रहा हूँ। मेरी पत्नी स्पिरिचुअल है, वफादार है और मुझसे बहुत प्यार करती है। हम दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत अट्रैक्टेड हैं। मैं उससे मिलने के लिए अब तैयार हूँ। जोसेफ मर्फी के पास एक टीचर आई। इनकी पहले 3 शादियाँ हो चुकी थीं। तीनों पति इन्हीं पर डिपेंडेंट थे और बहुत कमजोर किस्म के आदमी थे। इस महिला को शादी से पहले समझ में नहीं आया था कि उनके पति ऐसे निकलेंगे। दरअसल ये महिला खुद काफी मैस्कुलिन किस्म की थी, डोमिनेटिंग भी थी, और अनकॉन्शियसली एक ऐसा आदमी चाहती थी जो इनसे दब कर रहे। इन्होंने अपने पुराने पैटर्न को तोड़ने के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड से बातचीत करनी शुरू की। मैं एक स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, मैस्कुलिन, वफादार, सच्चा प्यार करने वाला पार्टनर अपनी ओर आकर्षित कर रही हूँ। मुझे उसकी बात सुनना अच्छा लगता है। मेरे पास उसे देने के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स हैं। वो भी मुझे बहुत कुछ देता है।
हमारे रिश्ते में इक्वल गिविंग एंड रिसीविंग है। सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि वो इंसान कहाँ है, और सबकॉन्शियस माइंड हम दोनों को एक दूसरे के करीब ला रहा है। हम दोनों एक दूसरे को देखते ही पहचान जाएंगे। मेरी प्रार्थना को पूरा करने के लिए शुक्रिया। इस महिला ने सुबह शाम ये प्रार्थना की। काफी महीने गुजर गए, ये काफी लोगों से मिली भी मगर बात नहीं बनी। कुछ दिनों बाद इनका तीसरा डिवोर्स फाइनलाइज हो गया और डिग्री मिल गई। उसके बाद इनकी नई नौकरी लगी एक डॉक्टर के दफ्तर में। जैसे ही इन्होंने उस डॉक्टर को देखा, इन्हें पता चल गया कि यही है इनका पार्टनर। शायद इनके पार्टनर को भी इनसे पहली बार मिलकर यही एहसास हुआ। ये डॉक्टर मैस्कुलिन था, फुटबॉल भी खेलता था और बहुत स्पिरिचुअल भी था, बिल्कुल वैसा जैसा इस महिला ने चाहा था। अब डिवोर्स लेना चाहिए या नहीं, शायद किसी के लिए डिवोर्स बहुत अच्छी चीज हो और किसी और के लिए बिल्कुल गलत चीज हो। हो सकता है एक डिवोर्स्ड महिला अपनी शादीशुदा बहनों से कई ज्यादा सच्ची और अच्छी हो। एक महिला थी जिसका पति उसे पीटता था, ड्रग्स लेता था और पैसे भी नहीं कमाता था। इस महिला को सबने बोला हुआ था कि डिवोर्स लेना बहुत गलत बात है। जोसेफ ने उसे समझाया कि शादी दो दिलों का बंधन है। अगर दो दिल आपस में जुड़े हुए हैं, दोनों के बीच प्यार है, इज्जत है, तभी शादी अच्छी बन सकती है। मार खाते हुए, आंसू बहाते हुए, खुद खत्म होकर शादी चलाने की किसी इंसान को कोई जरूरत नहीं है। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि डिवोर्स लेना चाहिए या नहीं, तो हमेशा अपने सबकॉन्शियस माइंड से पूछिए कि सही रास्ता क्या है। एक यंग कपल जिनकी शादी कुछ महीने पहले ही हुई थी, डिवोर्स की बातें करने लगा था। लड़के को लगता था कि उसकी बीवी उसे छोड़ देगी। इस डर की वजह से वो उस पर हमेशा शक करता था। दोनों का रिश्ता अजीब सा हो गया था। एक दिन बीवी ने घर छोड़ दिया और वाकई डिवोर्स मांग लिया। दोनों जब जोसेफ से मिले तो जोसेफ ने उन्हें प्रेयर थेरेपी के बारे में बताया। दोनों ने खुद के डर पर काम किया, एक दूसरे को डर की जगह दुआएं भेजनी शुरू की। इन दोनों की शादी आज बहुत अच्छी चल रही है। कई बार एक बीवी अपने पति को भला बुरा इसीलिए सुनाती है क्योंकि उसे अपने पति से प्यार और अटेंशन चाहिए होता है। कुछ बीवियां अपने पति को कंट्रोल में रखने के लिए भी सुनाती रहती हैं, मगर ये किसी भी आदमी को खुद से दूर करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है। अपने पार्टनर को अपना सारा अटेंशन दें और एक दूसरे की खूब प्रशंसा करें। अगर एक आदमी अपनी बीवी को अवॉइड कर रहा है, उस पर बिना बात के गुस्सा हो रहा है, तो वो उसे धोखा दे रहा है। वो अपनी बीवी के प्रति वफादार नहीं है। अगर आपकी शादी में कभी भी दिक्कत आए, तो अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को कभी मत बताइए। बताना है तो किसी शिक्षित काउंसलर को बताएं, मगर अपने पति की बुराइयां दुनिया के सामने ना करें, क्योंकि आप वो बातें बता रही हैं, इसीलिए आप सिर्फ पति की बुराई नहीं कर रही हैं, आप अपनी भी बुराई कर रही हैं। दूसरी तरफ अपनी पत्नी को बदलने की कोशिश कभी मत कीजिए, इससे उनके आत्मविश्वास पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, वो आपसे दूर हो जाएंगी और आपकी शादी खत्म भी हो सकती है। हम खुद के अलावा किसी को नहीं बदल सकते हैं, इसीलिए कामयाब शादी बनाने के लिए पहला स्टेप है, रात को सोने से पहले अपनी सारी लड़ाइयों को खत्म कर दें और सुबह जब आप उठे, एक नई शुरुआत कीजिए जिसमें आप अपने पार्टनर को, घर वालों को और पूरी दुनिया को दुआएं भेजें। दूसरा स्टेप, सुबह नाश्ते के वक्त ऊपर वाले को थैंक यू बोलें, आपका ख्याल रखने के लिए और आपको जीवन की सारी खुशियां प्रदान करने के लिए। अपने पार्टनर को भी थैंक यू बोले उस हर चीज के लिए जो वो आपके लिए हर दिन करते हैं। तीसरा स्टेप, हर शाम पति पत्नी को एक साथ प्रार्थना करनी चाहिए। अपने पार्टनर को कभी भी फॉर ग्रांटेड ना लें। प्यार सिर्फ शब्दों का खेल नहीं होता, प्यार आपकी सोच और आपके एक्शन से पता चलना चाहिए। शादी से खुशी नहीं मिलती है, खुशी मिलती है ऊपर वाले के दिखाए गए रास्ते पर चलने से और अपने सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ने से। इस खुशी के साथ जब आप शादी करते हैं, तब आप वो खुशी अपने पार्टनर के साथ बांट सकते हैं। अगर आप एक प्यार करने वाला, अच्छा, सच्चा जीवन साथी चाहते हैं, तो आपको भी खुद वैसा ही होना चाहिए। चैप्टर 14, सबकॉन्शियस माइंड और आपकी खुशियाँ। आपको बहुत खुशी हुई होगी जब आपके बच्चे ने जन्म लिया, या जब आपकी शादी हुई थी, या जब आप कॉलेज से ग्रेजुएट हुए थे, या जब आपकी एंगेजमेंट हुई थी। मगर जिंदगी के ये अनुभव कितने ही खूबसूरत क्यों ना हो,
इनसे असली खुशी नहीं मिलती। गहरी और कभी ना खत्म होने वाली खुशी का एहसास हमें तब मिलता है जब हम ऊपर वाले पर भरोसा रखते हैं और अपनी जिंदगी को सबकॉन्शियस माइंड के दिखाए हुए रास्ते के हिसाब से चलते हैं। जिंदगी की छोटी चीजों में खुशी छुपी होती है। खुश रहना बहुत आसान है, आपको बस खुशी चुननी है। सुबह उठते ही खुद से कहिए, मेरी जिंदगी डिवाइन ऑर्डर के मुताबिक चल रही है, आज मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। जोसेफ एक किसान के घर में कुछ दिन रहे थे। ये किसान हमेशा खुश रहता था। जब जोसेफ ने इनसे इनकी खुशी का राज पूछा तो ये किसान बोला कि खुश रहना मेरी आदत है। हर सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले मैं अपने परिवार को, अपने खेत को, गाय को, सबको आशीर्वाद देता हूँ और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ मेरी जिंदगी की हर खुशी के लिए। ये किसान पिछले 40 साल से यही कर रहा था और अब खुश रहना इसकी आदत बन चुकी थी। खुश रहने के लिए सबसे जरूरी चीज है खुश रहने की इच्छा। कई लोग जिन्हें दुखी रहने की आदत होती है, अगर कभी खुश हो भी जाते हैं तो सोचने लगते हैं कि मैं खुश क्यों हूँ। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि दुखी रहने में वो ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। इंग्लैंड में एक लेडी थी जिनकी हड्डियों में हमेशा दर्द रहता था। इन्हें इनकी तकलीफ की वजह से बेटा, बेटी, पड़ोसी सभी का खूब अटेंशन मिलता था। ये खुश रहना ही नहीं चाहती थी। इनका दर्द कभी खत्म ही नहीं हुआ क्योंकि इन्हें इसी दर्द और अटेंशन में मजा आ रहा था। कई बार हम सोचते हैं कि अगर मेरे पास ये आ जाए या वो आ जाए तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। मगर ऐसे बहुत सारे पैसे वाले लोग आए और गए जो बेहद उदास और सुसाइडल महसूस करते थे। खुशी आपके अंदर से आती है। समाज में कोई पोजीशन, पैसा, ऐसी किसी भी चीज से खुशी नहीं मिलती। खुशी मिलती है जब आप अपनी जिंदगी को सबकॉन्शियस माइंड से जोड़ लेते हैं, अपने अंदर की आवाज सुनते हैं, समझते हैं और ऊपर वाले से एक प्यार और विश्वास का रिश्ता बना लेते हैं। सैन फ्रांसिस्को में एक आदमी था जो अपने बॉसेस से बहुत परेशान रहता था। उसके बॉसेस भी उसके खिलाफ रहते थे। इस वजह से बिजनेस पर बुरा असर पड़ने लगा था। इस आदमी ने हर दिन अपने सबकॉन्शियस माइंड से ये कहना शुरू किया, हमारी कंपनी में काम करने वाले सारे कर्मचारी सिंसियर और वफादार हैं। मैं सभी को प्यार, दुआएं और गुडविल भेजता हूँ। ऊपर वाला सारे फैसले ले रहा है, मैं बस उसका एक माध्यम हूँ। इस शख्स ने दिन में 3 बार ये अफर्मेशन बोलना शुरू कर दिया। 2 हफ्ते के बाद इसके बॉसेस ने इसे खुद बुलाया और इसके काम की प्रशंसा की। क्या आपको डर, चिंता, परेशानी हर वक्त सताती रहती है? आप प्रैक्टिस से इस पैटर्न को पूरी तरह से बदल सकते हैं। हर चीज मिल जाएगी, उसके बाद आपको खुशी का एहसास होगा। इस बात की कोई गारंटी नहीं है। आपके अंदर एक पावन शक्ति है। जब आप उस शक्ति का इस्तेमाल करते हुए दूसरों को प्यार, उम्मीद और रोशनी देते हैं, तब आप खुद ब खुद खुश रहना सीख जाते हैं। पैसे से आप खुशियाँ नहीं खरीद सकते। कुछ पैसे वाले बहुत खुश हैं, कुछ बहुत दुखी हैं। कोई शादीशुदा है और बहुत दुखी है, कोई सिंगल है और बहुत खुश है। यानी कि खुशी का महल आपके अंदर ही है, आपकी सोच में छुपा हुआ है। चैप्टर 15, सबकॉन्शियस माइंड और इंसानी रिश्ते। जैसा आप चाहते हैं लोग आपके बारे में सोचें, जरूरी है कि आप भी उनके बारे में बिल्कुल वैसा ही सोचें। उदाहरण के तौर पर, अगर आप किसी के सामने उनकी तारीफ करते हैं मगर उनके पलटते ही आपके मन में उनके लिए नेगेटिविटी आ जाती है, तो ऐसे में उनके साथ आपके रिश्ते कभी भी अच्छे नहीं बन पाएंगे। आपके मन में जो भी थॉट आ रहा है उसे सोचने वाले आप हैं। इसीलिए जब आप किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो नुकसान आप ही का होता है। जब हम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं या कहते हैं तो वो अच्छाई लौट कर वापस हमारे पास आती है, मगर जब हम किसी के बारे में कुछ बुरा सोचते हैं तो सारा नुकसान हमारा खुद का ही होता है। एक महिला बहुत परेशान थी क्योंकि उसके पति हर सुबह अखबार पढ़कर गुस्सा हो जाते थे। हर दिन इतने आक्रोश में आ जाने की वजह से उनके शरीर पर अल्सर्स निकल आए थे। जोसेफ मर्फी ने इस आदमी को समझाया कि अखबार वालों के पास अपने विचार एक्सप्रेस करने की आजादी है, उसी तरह से हमें आजादी है कि हम उनके विचारों से डिसएग्री करें। हमें अपने अंदर इतना गुस्सा भर कर अपना नुकसान करने की कोई जरूरत नहीं है। इस आदमी को ये बात समझ आई और इसने अपने गुस्से पर काबू पाना शुरू किया। ये अखबार पढ़कर गुस्सा करने की जगह हंसने लगा।
कुछ दिनों बाद इसके अल्सर्स भी अपने आप ठीक हो गए। दूसरा इंसान क्या कह रहा है या वो क्या कर रहा है, इससे आप पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। असर तब पड़ता है जब आप पढ़ने देते हैं। जब आपको गुस्सा आता है तब आप चार स्टेजेस से गुजरते हैं। सबसे पहले जो उसने किया या कहा, आप उसके बारे में सोचते हैं। उसके बाद आप गुस्सा होने का फैसला लेते हैं। उसके बाद आप रिएक्ट करते हैं, गुस्सा करते हैं। यानी कि सारा थॉट, इमोशन, रिएक्शन, एक्शन, सारी प्लानिंग हमारे खुद के दिमाग के अंदर चल रही होती है। जब हम इमोशनली मच्योर बन जाते हैं तब हम नेगेटिवली रिएक्ट करना बंद कर देते हैं, क्योंकि नेगेटिवली रिएक्ट करने का मतलब है कि आप सामने वाले के लेवल पर चले गए हैं और नीचे के नेगेटिव वातावरण से जुड़ गए हैं। हमेशा अपने गोल पर फोकस कीजिए। किसी भी इंसान को इतनी ताकत मत दीजिए कि वो आपको कभी भी अपने लेवल पर नीचे खींच सके। प्यार का मतलब होता है हर इंसान की इज्जत करना, उन्हें दुआएं भेजना, उन्हें समझने की कोशिश करना। जितना प्यार आप दूसरों को देंगे उतना प्यार आपके पास वापस लौट कर भी आएगा। एक एक्टर था जिसे उसके पहले प्ले में ऑडियंस ने बहुत क्रिटिसाइज किया था। इस हादसे के बाद ये एक्टर हमेशा ऑडियंस के बारे में भला बुरा बोलता था और उसने थिएटर में काम करना बिल्कुल बंद कर दिया था। जब इस एक्टर ने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में समझा तो इसने हर रात ऑडियंस को प्यार भेजना शुरू कर दिया। मुझे देखने वाला हर शख्स ऊपर वाले का दूत है, मेरी ऑडियंस खुशहाल है और मैं उन्हें दुआएं भेजता हूँ। आज ये शख्स एक बहुत बड़ा एक्टर बन चुका है। कुछ लोग मेंटली इल होते हैं, अपने मैनिपुलेशन से, इमोशनल गेम्स से आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ये लोग अक्सर सोचते हैं कि मैं इतनी दुखी हूँ, ये खुश कैसे हैं? इसे तो मुझे नीचे लाना चाहिए। ऐसे लोगों को अपनी अच्छाई का फायदा बिल्कुल ना उठाने दें। उन्हें दुआएं भेजें, मगर आप वो करें जो आपको अपने लिए सही लगता हो। किसी को इतनी ताकत ना दें कि वो आपको आपके रास्ते से हटाकर अपने रास्ते पर ले आए। जोसेफ से मिलने एक लड़की आई जिसे बहुत जलन हो रही थी किसी और लड़की को देखकर, क्योंकि ये लड़की बहुत खुश रहती थी और उसके पास बहुत पैसे भी थे। बाद में पता चला कि जिससे वो जल रही थी उसकी एक बेटी थी जो चल नहीं सकती थी। जब इस लड़की ने माँ बेटी को साथ में देखा तो उसकी जलन गायब हो गई। उसके मन में उस लड़की और उसकी बेटी के लिए प्यार जागरूक हो गया। जब आपका देखने का नजरिया बदल जाता है तो आपके इमोशंस भी बदल जाते हैं। अगर कोई खुश है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी जिंदगी में कोई दुख है ही नहीं। वो खुश है क्योंकि वो खुश रहना चाहता है। और जब आप किसी और की खुशी में खुश होते हैं तो आप अपना गुड फॉर्च्यून बढ़ा लेते हैं। The 16, subconscious mind और माफी। हम सब ऊपर वाले की खूबसूरती को एक्सप्रेस करने का माध्यम है। अगर आप अपने मन में गांठे बांध लेते हैं तो आप इस एनर्जी के बहाव में रुकावट डाल देते हैं। कई बार हम ऊपर वाले से नाराज हो जाते हैं क्योंकि हमारी मुसीबतें हमें कमजोर होने का एहसास दिलाती हैं। इसी तरह से हम लोगों से भी नाराज हो जाते हैं और हमारी नाराजगी हमें अपने जीवन में खुद आगे बढ़ने नहीं देती है। कुदरत हमेशा माफ कर देती है। अगर आपकी उंगली कभी कट जाए तो वो अपने आप ठीक भी हो जाती है। एक आदमी था जिसने अपने भाई का खून कर दिया था। उसके भाई का उसकी बीवी के साथ अफेयर चल रहा था। 15 साल बाद ये आदमी दूसरी शादी कर चुका था। इसके 3 बच्चे भी थे। ये दूसरों की बहुत मदद करने वाला नेक दिल इंसान बन चुका था, मगर ये खुद को अभी भी माफ नहीं कर पाया था। साइंटिस्ट्स कहते हैं कि हमारा शरीर हर 11 महीनों में बदलता है। जोसेफ मर्फी ने इस शख्स को समझाया कि जिस इंसान ने उनके भाई का मर्डर किया था वो सालों पहले गुजर चुका है, इसीलिए उन्हें आज खुद को सजा देने की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें खुद को माफ करना ही होगा। अगर आपको कोई कुछ कहता है जो सच नहीं है तो आप उससे हर्ट हो ही नहीं सकते। आप आसानी से उस थॉट को रिजेक्ट कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आपको कोई फीडबैक मिलती है जिसको अपनाने से आपका फायदा होगा तो आपको उस इंसान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। जोसेफ एक शादी में गए थे। दुल्हन दूल्हे का चर्च में इंतजार करती रही। दूल्हा नहीं आया। दुल्हन ने कुछ आंसू बहाए और बोली, शायद ये हमारे लिए सही नहीं था क्योंकि मैंने ऊपर वाले से कहा था कि जो भी हम दोनों के लिए अच्छा है वही होना चाहिए। शायद इस लड़की की जगह कोई और लड़की होती तो बेहोश हो जाती और उसे हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ सकता था।
मगर जब हम ऊपर वाले से और अपने सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ जाते हैं और भरोसा करना सीख जाते हैं, तो हम हर स्थिति में शांत रहते हैं। अगर आप अपने जीवन में सुख शांति चाहते हैं, तो आपको माफ करना सीखना होगा। खुद को और दूसरों को माफ करना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने अंदर दूसरों के लिए गुस्सा पालते रहते हैं, तो इससे आपकी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। माफ करने के लिए सबसे जरूरी है माफ करने की इच्छा रखना। अगर आप माफ करने की इच्छा रखते हैं, तो आप इस जंग को जीत जाएंगे। जरूरी नहीं कि हमें अपने आसपास के सारे लोग बेहद पसंद हों, लेकिन उन्हें बिना पसंद किए भी हम उन्हें प्यार और दुआएं भेज सकते हैं। जब आप किसी को माफ कर देते हैं, तो ये आपका बड़प्पन नहीं होता है, ये आपकी खुदगर्जी होती है। आप उन्हें माफ उनके लिए नहीं, अपने मन की शांति के लिए करते हैं। अपने दिमाग को शांत कीजिए, ऊपर वाले के बारे में सोचिए और फिर अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहिए, मैं पूरी तरह से माफ करती हूँ। मैंने उस हर शख्स को जिसने मुझे कभी भी दुख दिया है, उसे आजाद करती हूँ। मैं उन सबको दुआ देती हूँ, वो खुश रहें और उनका जीवन शांति पूर्वक बीते। मैं भी आजाद हूँ और वो भी आजाद है। अब आप ये कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि आपने वाकई किसी को माफ कर दिया है? जब आपके सामने कोई उस शख्स की तारीफ करे और आपको कोई फर्क ही ना पड़े, तब आप आगे बढ़ चुके हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आपको पिछले साल दांत में दर्द हुआ था और इस साल मैं आपसे उस एपिसोड के बारे में बात करूं, तो आपको वो इंसिडेंट याद तो होगा, मगर उसके बारे में बात करते हुए आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। जब हम अपने अंदर छुपी ताकत को पहचान लेते हैं, तब माफ करना बहुत आसान हो जाता है। आपको पता होता है कि आप ही अपनी जिंदगी को क्रिएट कर रहे हैं और आप कभी भी अपनी जिंदगी का रुख किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं। चैप्टर 17, सबकॉन्शियस माइंड और डर। डर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। हर हार, हर बीमारी, हर तकलीफ का कारण डर ही है। डर को खत्म करने का एक ही इलाज है, जिस चीज से आप डरते हैं वो चीज कर दीजिए, डर अपने आप चला जाएगा। जब आप दृढ़ निश्चय ले लेते हैं कि आपको अपने डर पर विजय पानी ही है, तो आपका सबकॉन्शियस उस बात को सच मान लेता है और फिर वैसा ही होगा। एक मेडिकल स्टूडेंट था जिसे एग्जाम से इतना डर लगता था कि एग्जाम के दौरान वो सब कुछ भूल जाया करता था। उसे डर था कि वो फेल हो जाएगा और उसके सबकॉन्शियस माइंड को यही लगता था कि वो फेल होना चाहता है। इस लड़के ने हर रात सोने से पहले इमेजिन करना शुरू किया कि इसकी माँ इसे कंग्रेचुलेट कर रही है क्योंकि इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। धीरे धीरे इस लड़के का परफॉर्मेंस वाकई में सुधरने भी लगा। जोसेफ मर्फी करीब 10 साल के थे जब ये स्विमिंग पूल में गिर गए थे। इन्हें सांस लेने में बहुत तकलीफ हुई थी और इस मेमोरी की वजह से उनके अंदर पानी का डर बैठ गया था। इन्होंने अपने डर को खत्म करने के लिए पानी में जाकर पानी को देखकर बोलना शुरू किया, मैं तुम पर जीत हासिल करूंगा। इसके बाद उन्होंने स्विमिंग सीखी और अपने डर को पूरी तरह से खत्म कर दिया। अगर आपको ऊंचाई से, पानी से, स्टेज से, किसी भी चीज से डर लगता है, तो पहले अपने मन को शांत कीजिए। मेडिटेटिव स्टेट में जाने के बाद इमेजिन कीजिए कि आप तैर रहे हैं या वो चीज कर रहे हैं जिससे आप डरते हैं। आपको पानी का एहसास होगा, लहरें आपके चारों ओर हैं, या पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, सीनरी को एंजॉय कर रहे हैं। बार बार ये करने से आपका सबकॉन्शियस माइंड इस इमेज को सच मान लेगा और आपका डर भी फिर खत्म हो जाएगा। इंसान सिर्फ दो डर के साथ जन्मा है, शोर का डर और गिरने का डर। अगर आप पीछे से गाड़ी के आने की आवाज सुनते हैं, तो आप रास्ते से हट जाते हैं। ये डर आपकी सुरक्षा के लिए जरूरी है। इन दो डर के अलावा बाकी सारे डर हमारे नहीं हैं। ये डर हमें माँ बाप, समाज और टीचर्स ने दिए हैं। जब हम किसी डर को सुबह शाम इमेजिन करते हैं और यही सोचते रहते हैं कि कैसे हमारी जिंदगी उस डर के लपेट में आने वाली है, तब हम मुसीबत को खुद ही न्योता दे रहे होते हैं। या जब हम किसी एपिडेमिक के बारे में सुनते हैं और हमें लगता है कि वो बीमारी हमें होने वाली है, तो ये अबनॉर्मल फियर है। इसे हम खुद ही बना रहे हैं और बढ़ा भी रहे हैं। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की ताकत से इन अबनॉर्मल फियर्स को खत्म कर सकते हैं। जो आप चाहते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड से वो कहिए। अपने फियर्स पर ध्यान मत दीजिए, अपने डर को देखिए और उस पर हंसिए। आप बहुत ताकतवर हैं।
आपके थॉट्स के बिना आपके डर का कोई वजूद ही नहीं है। आपके सामने कोई भी डर बहुत कमजोर है। चैप्टर 18, उम्र भर जवान रहे। पेशेंस, काइंडनेस, प्यार, खुशी, एक नेक दिल, विजडम, ये कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं जो कभी बूढ़ी नहीं होती। ये हैं तो इंसान में हमेशा जीने का उत्साह बरकरार रहता है। उम्र सिर्फ सालों से नहीं गिनी जाती, बढ़ती उम्र के साथ इंसान को जिंदगी का मतलब और अच्छे से समझ में आना चाहिए। 65 से 95 आपकी जिंदगी के सबसे बेहतरीन साल हो सकते हैं। आप अपने माइंड को नहीं देख सकते हैं, मगर आपको पता है कि वो है। उसी तरह आप जिंदगी को नहीं देख सकते, मगर आपको पता है कि जिंदगी है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी वैसा ही है। आपके अपने सबकॉन्शियस माइंड से रिश्ता कभी बूढ़ा नहीं हो सकता। जितना आपको लगता है आपकी उम्र है, उतनी ही आपकी उम्र होगी। अगर आपको लगता है कि आप अंदर से बहुत जवान हैं, बाहर से बहुत खूबसूरत हैं, तो वही आपका सच है। बुढ़ापे में जवानी से ज्यादा खुशी मिल सकती है। बुढ़ापे में आप स्पिरिचुअलिटी और भगवान के बारे में ज्यादा सोचते हैं। कुदरत आपके शरीर को थोड़ा ढीला कर देती है और उस वक्त आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से अपने रिश्ते को और मजबूत कर पाते हैं। डाइट और एक्सरसाइज से हम ज्यादा दिन जवान नहीं रह सकते। आपके ग्रे हेयर आपकी कमजोरी नहीं है। आपके पास जो सालों का तजुर्बा है, नॉलेज है, विजडम है, ये है आपकी असली ताकत। बूढ़े होने का डर मत पालिए। हम जिस चीज से डरेंगे वही हम क्रिएट कर लेंगे। दरअसल आप बूढ़े तब होते हैं जब आप सपने देखना छोड़ देते हैं या जब आप ऊपर वाले से दूर चले जाते हैं। अगर आप रिटायर हो गए हैं तो किताबें पढ़ना शुरू कर दीजिए। दुनिया में आपकी बहुत जरूरत है। कई राइटर्स, आर्टिस्ट, साइंटिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने 80 की उम्र में अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा काम किया है। आप इनफाइनाइट इंटेलिजेंस के बच्चे हैं। इनफाइनाइट यानी कि जिसका कोई अंत है ही नहीं। ऐसे में आपका भी कोई अंत है ही नहीं। फिर कैसी उम्र और कैसा बुढ़ापा? आप एक शक्तिशाली आत्मा हैं। यू आर पावरफुल एंड यू आर वंडरफुल।